हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट केम क्लासेस में। आज के इस वीडियो में, जैसा कि आप लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक को, मेन ग्रुप केमिस्ट्री। जी हाँ, मेन ग्रुप केमिस्ट्री को आज हम इस चैप्टर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो आपको एक क्विक ओवरव्यू देगा पूरे के पूरे चैप्टर का। व्हाट इज द एम ऑफ दिस वीडियो? आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल हैव अ गुड कमांड ऑन दिस चैप्टर। तो अगर आप मेन ग्रुप चैप्टर सर्च कर रहे हैं और आपने मेन ग्रुप चैप्टर को अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपने मेन ग्रुप चैप्टर अभी तक पढ़ा ही नहीं है मान लीजिए, या फिर अभी तक मेन ग्रुप चैप्टर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, या फिर आपका कोई भी एग्जाम आने वाला है, आईआईटी जैम का, सीएसआईआर नेट का, गेट का, इवन आईआईटी जेई नीट, आपका कोई भी मेन ग्रुप केमिस्ट्री का अगर एग्जाम आने वाला है, या फिर कोई भी ऐसा केमिस्ट्री का एग्जाम आने वाला है जिसमें मेन ग्रुप केमिस्ट्री पूछी जाने वाली है, तो आज के इस वीडियो में हम मेन ग्रुप चैप्टर के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले होंगे, जिससे हम लोग इस चैप्टर के सम मस्ट नोन कॉन्सेप्ट को आज सीख लेंगे। और आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझिए कि 50-60% मोर देन 60% आप कह सकते हो 60% प्लस क्वेश्चंस आप मेन ग्रुप केमिस्ट्री के करने में अपने आप को सक्षम पाओगे। मतलब 10 में से 6 नंबर के क्वेश्चंस आप आसानी से कर लोगे। अब चलिए मैं आपको कोई एक वो बता देता हूँ ओवरव्यू कि सीएसआईआर नेट में हर साल ये समझ लीजिए कि 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस मेन ग्रुप से आ रहे हैं। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन का ट्रेंड बना है जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है सीएसआईआर नेट का। सीएसआईआर नेट का एग्जाम जब से ऑनलाइन हुआ है, सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री की हाईएस्ट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जब आप बहुत केमिस्ट्री पढ़ लोगे और एमएससी कर लोगे तो उसके बाद आप ये एग्जाम दोगे। बाकी अगर आप जेई में हैं या फिर जेम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएससी में हैं, ट्वेल्थ में हैं, तो फिर मतलब फिर तो आपके लिए इसके बारे में आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होगे। लेकिन सीएसआईआर नेट में इसमें 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और सीएसआईआर नेट के एग्जाम में सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और ये इतने ईजी मतलब टॉपिक रहेगा, मतलब इस वीडियो को अगर तुम देख लोगे तो इसके बाद तुम सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन तो कर लोगे, मतलब 8 नंबर तो तुम ला सकते हो सीधा सीधा इस वीडियो को पढ़ने से। इसमें सीएसआईआर नेट में आप इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ लीजिए कि अराउंड मतलब 4-6 मार्क्स आप जैम और गेट दोनों में, जैम में भी 4-6 नंबर और गेट में भी 4-6 नंबर आप ला सकते हैं। और इसके अलावा जेई नीट में बाकी सब जगह तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज्यादा ही रहता है, तो वहां तो आपको और भी फायदा मिलने ही वाला है। ठीक है, तो ये रही अपनी भाई प्यारी सी पीरियोडिक टेबल। और ये पीरियोडिक टेबल है हमारी किसकी, ये है हमारी पीरियोडिक टेबल, एक बार मैं बड़ी करके दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं आपको, ये है अपनी पीरियोडिक टेबल, ऊपर चलिए, हाँ ये पीरियोडिक टेबल है अपनी, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये ग्रुप नंबर, ये जो ग्रुप नंबर है 1 और 2, ये अपना मेन ग्रुप में आ रहा है, पहला फर्स्ट है, सेकेंड है, यहाँ पर ये 13 ग्रुप हो गया, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, और ये लास्ट में इनर्ट गैसेज हैं। तो इन सारे कंपाउंड्स की हमको प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं, कुछ ट्रेंड्स पढ़ने होंगे हमें कि किस तरीके से इन सब के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, थर्मल स्टेबिलिटी, उनके साइज का क्या ट्रेंड है, इन सारे के सारे चीज़ों का हमें ट्रेंड के बारे में थोड़ा पढ़ना होगा। ठीक है, मेन ग्रुप में। इसके अलावा आप क्या करते हो कि आप डी ब्लॉक को अपना कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ते हो, और एफ ब्लॉक में आप क्या करते हो, अलग, एफ ब्लॉक को अलग से पढ़ा जाता है, डी ब्लॉक को कोऑर्डिनेशन में पढ़ा जाता है, और इन सब को मिलाकर इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस और भी कुछ चैप्टर निकलते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देकर पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मैट केम क्लासेस में। इट इज़ एन ऑनलाइन कोचिंग फॉर आईआईटी जैम केमिस्ट्री, सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस एंड गेट केमिस्ट्री। अगर आप मैट केम क्लासेस के किसी भी ऑनलाइन कोर्स को या फिर आप मैट केम क्लासेस के बारे में कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो अभी आप जाइए गूगल पर सर्च करिए मैट केम क्लासेस, वहां पर आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी www.matkmclasses.online, और वहां आप हमारे बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। इस क्लास की जो पीडीएफ रहेगी उसका लिंक टेलीग्राम, उसका पीडीएफ का पीडीएफ फाइल एक्चुअली लिंक क्या
वो पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और मैटकेम क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट अस थ्रू द इंस्टाग्राम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और आज का ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, कुछ जनरल ट्रेंड्स देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ जनरल ट्रेंड्स देखेंगे, क्योंकि हम एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू इस चैप्टर को निपटाना चाहते हैं, तो इसलिए हमें कुछ ऐसे ट्रेंड्स पहले समझने पड़ेंगे जो कि थ्रू आउट दिस चैप्टर वर्क करेंगे। जिनमें से पहला अगर हम लोग बात करें आयनाइजेशन एनर्जी का, तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी जब भी आपको कंपेयर करनी हो, जब भी आपको आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी होगी, तो वहां पर आपको ध्यान क्या देना है, क्योंकि हम लोग मेन ग्रुप की बात करें तो वहां पर एस और पी ब्लॉक, एस और पी में ही आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। तो इसलिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये जो आपकी सेल है, अगर वो सेल चेंज होती है तो सीधी सी बात है कि 1s से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा एस कंपेयर टू 2s से। 2s थोड़ा सेकेंड सेल में चला गया, बड़ी सेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, तो 2s से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, ये बात तो हम समझते हैं। लेकिन अगर किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 है, और उसके बाद उसके बगल में आपके पास दूसरा एक एटम दिया हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1 है, मतलब इन दोनों में जो अंतर है वो क्या है, अंतर ये है कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s2 में गया, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p1 में गया। तो मतलब क्या है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर इस वाले एटम का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एस ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल विद इन अ सेम सेल। 2s 2p में से 2s की एनर्जी कम होगी, तो 2s के 2s इससे इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होगा, टफ होगा। ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा ये बात कि कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं। और ये हमेशा वैलिड कब रखेंगे, हम वैलिड रखेंगे जब भी हमारे पास एक एटॉमिक नंबर का कंपैरिजन होगा। ऐसा नहीं करेंगे कि 2s2 और 3, मतलब कि अगल बगल में ही होना चाहिए, ये अगल बगल में ही होना चाहिए। इसका जो हम लोग कंपैरिजन करेंगे, इसको ज्यादा बोलेंगे तो इसको ज्यादा बोलेंगे तो ये 2p1 में ही वैलिड होगा। जब 2p2 आ जाएगा तो 2p2 को इससे कंपेयर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आप साइज आइज ये सब जो नॉर्मल फैक्टर्स होते हैं उनको ध्यान देना होता है। चले जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपको क्लियर करके समझाता हूँ। जैसे हम लोग के पास ये आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता करनी है। क्या करनी है हमें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पता करनी है। और ये हम लोगों ने नॉर्मल एक पीरियड के एलिमेंट्स ही ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने पास लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो हमें क्या करना है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है। तो जब भी आपको आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये बात पता चल जाएगी कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने अभी अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक बात सीखी है, इसी को अप्लाई करना है। पहली बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली बात तो हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन साथ में जो मेन पॉइंट है, इसका मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी का क्या, एटॉमिक साइज। सीधी सी बात है, एटॉमिक साइज या फिर जेड इफेक्टिव से भी उसको हम लोग मतलब रिलेट कर सकते हैं, लेकिन एटॉमिक साइज में ही बताता हूँ। तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर जो आपका एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है डिक्रीज होता है। एटम छोटा होता है, उसके अंदर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। तो हमें पता है कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारे जो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए वो बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस वाले पॉइंट की वजह से यहाँ पर कुछ थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। जैसे जैसे अगर हम इस चीज को देखना और सीखना समझना चाहें तो जरा ध्यान से देखिए, लिथियम से आप जाइए बेरेलियम में, तो लिथियम से बेरेलियम में गए तो सीधी सी बात है लिथियम लेफ्ट से राइट जाने पर इसका साइज क्या हुआ, कम हुआ, और कम होने की वजह से क्या हुआ इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, लिथियम से ज्यादा है। और लिथियम का जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा वो भी साथ में देखते हैं, 1s2 2s1 और ये 1s2 2s2, तो यहाँ पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं, s ऑर्बिटल में ही है लास्ट वाले। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सीधा कंपेरिजन कर रहे हैं किस बात से, हम लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर भैया ये छोटा हो गया,
अब भैया ये छोटा हो गया तो इसका मतलब है इसका 2s ऑर्बिटल थोड़ा छोटा होगा इससे, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसका मतलब है इसके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है बात, ये बात हमको क्लियरली सब में समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे ही बेरिलियम से कहां गए, बोरॉन में, तो इसका साइज क्या हुआ, थोड़ा और छोटा हुआ होगा। लेकिन यहां पर एक बात आ गई, गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई? इसका इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है हमें 2s से और इसका इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है हमें 2p से। तो ये 2p में जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से निकल सकता है एज कंपेयर टू 2s से। यही वाली बात, ऊपर वाली बात जो ये लिख के आ रही है। तो यहां पर क्या हुआ, इसमें बेरिलियम जीत गया, मतलब इसका आयनाइजेशन आसानी से हो सकता है और इस वजह से ये बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये बोरॉन से भी ज्यादा है, लिथियम से भी ज्यादा है। चलो ठीक है भाई, ये बात भी समझ गए हम लोग। अब हम लोगों ने क्या किया, इसके आगे बढ़े। अब हम लोग जब इसके आगे बढ़े तो आगे बढ़ के हमने क्या देखा कि बोरॉन से कार्बन की तरफ जब गए तो कार्बन का साइज डिक्रीज हुआ। देखो पहले ये बोरॉन है, ये कार्बन है, इसके 2p1 में इलेक्ट्रॉन, इसके 2p2 में इलेक्ट्रॉन, तो 2p1 2p2 में तो कुछ ऐसा फर्क पड़ नहीं रहा इन सब चीजों का। तो इसका मतलब हो गया कि इनमें हम लोग सिर्फ यही देख सकते हैं कि बोरॉन का साइज छोटा है, मतलब बड़ा है एज कंपेयर टू कार्बन। इन दोनों में से कार्बन जो है आपका, कार्बन का साइज क्या है, छोटा हो गया है। इस वजह से हम लोग कार्बन को क्या कह दे रहे हैं कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। लेकिन 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 जैसे ही हम इससे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम क्या देखते हैं, जैसे ही हम कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ गए तो नाइट्रोजन का साइज तो छोटा हुआ, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम क्या हुई, बढ़िया बात, मतलब प्रॉब्लम क्या, बढ़िया बात ये हुई, यहां पर नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आया वो क्या आया, हाफ फिल्ड हो गया। और हमें पता है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन होते हैं एज कम्पेयर टू दियर अदर वंस। तो इसलिए 2p3 क्या है कि स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। इसीलिए जब हम लोग नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पर जा रहे हैं तो नाइट्रोजन की जो वो होगी ना आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करी जा रही है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ऑक्सीजन से भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगी और उसके बाद लास्ट में इन दोनों के बीच में जब कंपेयर करेंगे तो सीधी सी बात है इसका साइज छोटा हो गया है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाली बात आ जाती है। तो इसका जब आप पूरा एक फाइनल ट्रेंड निकालोगे ना तो दिस विल कम योर फाइनल ट्रेंड। आप ये जो पहली पीरियड, ये जो सेकंड पीरियड है आपका, इस पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ट्रेंड निकलेगा। देखो जरा ध्यान से, ये आपके पास लिखा हुआ है, आपको पता है राइट वालों का तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है ना, तो इसका मतलब है राइट वाले से स्टार्ट करेंगे, इसकी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी ये आया। अब इसके बाद ऑक्सीजन आना चाहिए था लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा है भैया आपने नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आ गए सेकंड नंबर पे। अब सेकंड नंबर पे आ गया, उसके बाद कौन बचा, उसके बाद हम कार्बन आर्बन नहीं लगा देंगे, ऑक्सीजन बच रहा है ना अभी, राइट वाले पहले लिखो। तो यहाँ पर अब आया आपका ऑक्सीजन, अब इसके बाद आपने लिखा कार्बन, कार्बन के बाद जरा ध्यान से देखिए, कार्बन के बाद जरा ध्यान से देखिए, कार्बन के बगल में आप रखना चाहते थे बोरॉन को, लेकिन भैया बोरॉन से ज्यादा है आपका बेरिलियम, तो कार्बन के बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन और लिथियम सबसे कम। दिस इज द करेक्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड फॉर द सेकेंड पीरियड। Why we have discussed this point? हमने इस बात को क्यों डिस्कस किया, ताकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी मेन ग्रुप के रिविजन क्लासेस ढूंढ रहा है, जो भी मेन ग्रुप को क्रैश कोर्स के थ्रू या फिर मतलब ऐसे यूट्यूब से हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमने मेन ग्रुप चैप्टर को पढ़ा नहीं है, इसलिए हम लोग यूट्यूब पर उसको वन शॉर्ट वीडियो में निपटाने की सोच रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर, अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपके पास नोट्स हैं, तो आपका काम है कि आप उस नोट्स को ही रिवाइज करिए, वही नोट्स आपके लिए सबसे अच्छे हैं। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक मुझे आपके लिए हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, ताकि हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएं तो हमें इन चीज़ों में कन्फ्यूजन ना रह जाए आयनाइजेशन एनर्जी में। तो ये बात हम सीख गए। अब इसके बाद आपका काम क्या है, अगला काम क्या है आपका, अगला काम आपका ये है कि आप कमेंट करेंगे, वीडियो को यहीं पॉज करके कमेंट करेंगे कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। हम क्या, हमें क्या चाहिए, चाहिए हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, आप सब लोग कमेंट करिए। चलिए अब इसके आगे का एक अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वो कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। ठीक है, क्या सीखते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्वेश्चन सीख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लाइनस पॉनिंग बहुत अच्छे मतलब बुक लिखी थी इन्होंने अपनी एक केमिकल बॉन्डिंग की, तो लाइनस पॉनिंग
सर ने अपना एक फॉर्मूला दिया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस का, कि कभी भी आपके दो एटम्स हों और उन दो एटम्स का अगर आप क्या करना चाहते हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस निकालना चाहते हो, तो वो किसके बराबर होता है, 0.208 अंडर रूट के अंदर ई ए बी माइनस उसके अंदर फिर से अंडर रूट के अंदर ई ए ए ई बी बी। तो यहां पर ई ए बी क्या है, यह बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड ए बी मॉलिक्यूल के आप ए एटम और बी एटम के बीच की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस निकालना चाहते हो तो आपको ई ए बी की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पता होनी चाहिए, ई ए ए की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पता होनी चाहिए और ई बी बी की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पता होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, उनके बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस निकाल सकते हो। फिर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया और मलिकन स्केल में इस चीज को दोबारा रिप्रेजेंट किया गया। मलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमसे ये कहती है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्चुअली जस्ट द मीन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को दो से डिवाइड कर दो तो आपकी क्या आ जाती है, यह आ जाती है आपकी मलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और अगर आपको ब्लाइनस पॉलिंग स्केल और मलिकन स्केल को आपस में कंपेयर करना हो तो जो पाउलिंग स्केल होती है वो मलिकन स्केल का 2.8 टाइम्स होती है, मतलब जो मलिकन स्केल होती है वो पाउलिंग स्केल का 2.8 टाइम्स होती है। तो एक्स ये जो आपका साई पी इक्वल टू साई एम अपॉन 2.8, ये बात आप ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। इसको बस एक बार देख लीजिए, ये आपके पास हो सकता है डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज आपसे ये बात कहीं ना कहीं पूछ ली जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एल्फ्रेड रोचो स्केल भी होती है, इन्होंने भी इन्होंने एक्चुअली क्या करा था, इन्होंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को एज अ आयनिक जो हम लोगों नहीं पढ़ते हैं क्या कहते हैं आयनिक इंटरेक्शन की तरीके देखा था। इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में इन्होंने क्या कहा था, ये अल्फ्रेड रोचो स्केल जो है इन्होंने क्या कहा था कि भैया ये आपका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है और इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कनेक्टेड है। तो उसी लिए इन लोगों ने इन्होंने जो अपनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की स्केल दी थी उसमें इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का टर्म जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। वही जो हम लोग स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते थे कि एफ इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कॉन्सेप्ट यही था, इन्होंने फोर्स बताया यही लगेगा। इसको मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास ये स्केल आ गई। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये आपकी फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू होती है वो 4 होती है, इसकी 3.5 होती है। क्लोरीन और नाइट्रोजन की लगभग सेम होती है, 3.0 इनको इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यूज होती हैं। और इसके बाद कार्बन, आयोडीन और सल्फर, ये तीनों क्या होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग 2.5 के आसपास होती है दो तीनों की। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 2.1। तो आप एक बार इस बात को अपने दिमाग में बैठा के रखना इन वैल्यूज को, इससे क्या होगा ना आपको आइडिया लगाने में, कई बार हमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें आइडिया लगाना पड़ता है यार ये इसको एलिमिनेट करने में, ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंपैरिजन कभी भी हो सकता है, आ सकता है आपके दिमाग में, इसको यूज कर सकते हो आप कि कार्बन है, अच्छा मतलब कहीं पर क्लोरीन और नाइट्रोजन आपके सामने आ रहे हैं तो आपको एक आइडिया रहेगा कि ये दोनों लगभग एक ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले हैं, तो इस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। तो ये देखो ये बढ़िया सा स्ट्रक्चर भी बन गया है कि नहीं, तो ये बात देखना इसको यूज करना पता चलेगा आपको हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था सीएसआईआर नेट में आपका नवंबर 2020 में जो सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का एग्जाम हुआ था, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा था। अब बताओ 4 नंबर का क्वेश्चन, सीधी सी बात है एल्फ्रेड रोचो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूछ रहा है तो सीधी सी बात है, ये देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है जेड इफेक्टिव के, सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है जेड इफेक्टिव के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, ये कोवेलेंट रेडियाई ही है, इसके बराबर होती है, ये दोनों ऑप्शन गलत है, इनवर्सली नहीं होती है और ये प्रोपोर्शनल आर के नहीं होती है। तो पहला और चौथा ऑप्शन सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका क्या है, ये सही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 4 मार्क्स माई डियर फ्रेंड, 4 मार्क्स फॉर फ्री, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें नेक्स्ट पॉइंट जो सीखना है वो सीखना है एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। तो इसमें सीधी सी बातें हैं, कुछ मेन सीख लेते हैं। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ऑक्साइड डोनर होते हैं, इसलिए नॉन मेटालिक
ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं जो आप दिमाग लगा लो, अपने दिमाग में ये बात ध्यान रख लो। न्यूट्रल ऑक्साइड, वाटर एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, N2O एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, CO और NO क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो हो सकता है आपसे ऑप्शन में पूछ दे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल, तो दीज फोर आर न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपके पास, अब स्टार्ट हो गया आपके तरीके, एक तरीके से मेन ग्रुप वही आपका फर्स्ट ग्रुप आ गया, एस ब्लॉक आ चुका है। देखिए ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फर्स्ट आपका Na2O, K2O, RB2O, CH2O, FR2O, इसमें क्या है ऊपर से नीचे जा रहे हो आप, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, मेटल का साइज बढ़ रहा है, तो उससे उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर बेसिसिटी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि ये मेटल्स हैं। एस ब्लॉक में ये मेटल्स हैं, पी ब्लॉक में क्या आ जाएंगे अपने पास, नॉन मेटल्स आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये पी ब्लॉक आ गया, ये कार्बन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, SN ऑक्साइड, तो ये क्या है आपके, ये है आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो ये क्या है, एसिड है। और इसमें ध्यान रखना जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो उसका जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वो ऊपर वालों का ज्यादा होता है, और नीचे वाले क्या होते हैं, ये मेटल बनने लगते हैं, इनके पास मेटालिक कैरेक्टर आ जाता है। तो ये हो सकता है एम्फोटेरिक नेचर के नीचे वाले मिले आपको, मेटालिक कैरेक्टर के मिलेंगे एक तरीके से ये कहा जा सकता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर इनकी एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेम्बर, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेम्बर। एक दो बार बस देखना है अपने को एग्जाम से पहले, जिस दिन मॉर्निंग में एग्जाम होगा उस दिन सुबह उठ के इस चीज को चेक कर लेना है एक बार बस, ठीक है। इस वीडियो को या फिर इस वीडियो के नोट्स को आप क्या करना, जिस दिन एग्जाम हो उस दिन सुबह जरूर पढ़ लेना इस चीज, ठीक है। अगला बात करते हैं, अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड की। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ में सीधी सी बात होती है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी होती है। जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। वो क्या होगा, उतना ज्यादा ही एसिडिक होगा, सीधी सी बात होती है ये, नॉर्मल बात। देखिए यहाँ पर Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O6, तो यहाँ पर +7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन की यहाँ +5 है, यहाँ +3 है, और यहाँ पर आई थिंक +1, ठीक है, 1, 3, 5, 7, हाँ। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है कि यहाँ पर क्या है आपके पास, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, आई थिंक +5 है, ये +3 है, और यहाँ पर कितनी है, अच्छा रुको रुको सॉरी, +3 है यहाँ पर। ये कहानी एक थोड़ी सी अलग है जो कि हम लोग वैसे पी ब्लॉक में पढ़ेंगे चल के, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी ये है +3, ठीक है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +5, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7। तो इस हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से सबसे ज्यादा एसिडिक ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपकी एसिडिटी यहाँ हम लोग जो एसिडिटी चेक कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग ऊपर एसिडिटी चेक कर रहे हैं इस जगह, ये जो है आपका यहाँ पर जो आप एसिडिटी चेक कर रहे हो, वहां पर एसिडिटी आप ऑक्साइड की नहीं चेक कर रहे हो, वहां पर हाइड्रोजन नहीं निकालना है आपको, वहां पर आपको हाइड्रोजन नहीं निकालना है, आप लेविस एसिडिटी चेक कर रहे हो। तो लेविस एसिडिटी जब आप चेक कर रहे हो तो वहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जहां जिसकी ज्यादा होगी वही आपका ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन जब आपके पास OH ग्रुप हो, जब आपका ऑक्सी एसिड हो, एक्चुअली ये क्या है, ये नीचे वाले ऑक्सी एसिड्स हैं। तो ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, ऑक्सी एसिड्स अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ऑक्सी एसिड्स होते हैं जब आपका हाइड्रोजन जो है वो निकाल रहे हो आप किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब ऑक्सीजन हो गया एक तरीके से, ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड जब आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो ये एसिड जो है ये ऑक्सी एसिड है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये H3PO4 होना चाहिए लेकिन ये होता नहीं है ऑक्साइड, ये आपका ऑक्साइड जो है ये आपका मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखिए ये आपके, जैसे ही आप इससे हाइड्रोजन निकालोगे, इससे हाइड्रोजन निकालोगे H+ निकाल लोगे, यहां पर निगेटिव चार्ज बचेगा, यहां निगेटिव चार्ज बचेगा। अब यहां पर जो निगेटिव चार्ज बचेगा वो आसानी से इसके साथ ऐसे कॉन्जुगेशन करेगा, ये ऐसे कॉन्जुगेशन करेगा, और ये दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में आराम से बढ़िया रेजोनेंस करेगा। वहीं अगर बात करी जाए इसकी, तो यहां पर अगर आपका जो O- बना वो इसके साथ रेजोनेंस करना चाहेगा, लेकिन
उस रेजोनेंस को, इस इन दोनों के बीच होने वाले रेजोनेंस को, इन दोनों के बीच में होने वाले इलेक्ट्रॉन के इस कॉन्जुगेशन को, ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स क्या करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे और उसके रेजोनेंस को क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, बीच में घुसेंगे जबरदस्ती की भैया हमें भी देना है इलेक्ट्रॉन, कहेगा हमें भी इलेक्ट्रॉन देना। तो इस वजह से ये इसके एक पहली बात तो इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यहाँ पर ये चीज ये लोग करने नहीं देंगे। तो जब दो लोग होंगे उसके विरोध में तो ज्यादा दिक्कत होगी, जब एक ही विरोध में है तो कम दिक्कत होगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, H3PO2, सेकेंड नंबर पे H3PO3 और थर्ड नंबर पे H3PO4। ठीक है, तो ये दो टाइप के एसिडिक क्वेश्चन आते हैं आपके मेन ग्रुप से, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, बस इन दोनों को ध्यान रखिएगा। अब चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव टू व्हेन वी इफ वी हैव टू रिएक्ट विथ वाटर। अब ये बहुत प्यारा पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना। जो आपका H2O है, अभी मैंने बताया ये क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। जब न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब क्या था, न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब ये है कि जब भी आप वाटर से किसी भी चीज की रिएक्शन कराओगे तो वाटर उस एलिमेंट में, उस कंपाउंड में, उसके सेंट्रल एटम को या फिर किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सीधी सी बात है, वाटर उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। SO2 यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, आपके पास +4 है, तो यहां पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, H2SO3 में +4 है। ठीक है, आप चाहो तो बनाकर देख लेना। SO3 यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही रखनी है। वाटर से रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट बनाओ। P4O10 तो यहां पर इसकी कितनी हो गई होगी, P4O10 में यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप जो निकालेंगे वही ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या मिलेगी, यहां पर प्रोडक्ट में मिलेगी। तो आई थिंक H3PO4 तो ये कितनी है, 7 है +7, तो यहां पर भी कितनी होगी, 7 ही होगी। ठीक है, 7 × 28 और 7 ही है, H3PO4 में ऊपर हम लोगों ने देखा 3×5 = 5 +5 होगी, +5 होगी, 5×20, 5×20। ठीक है, तो ये +5 होगी। Cl2O3 है तो Cl2O3 में HClO2 आपने बना दिया। ऑक्सीजन स्टेट हमेशा ये लेफ्ट वाले की ऑक्सीजन स्टेट राइट वाले की ऑक्सीजन स्टेट से मैच कर लेना, समझ जाना वही रिएक्शन सही। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसे वैसे वाटर की रिएक्शन कभी भी आपको दिखने को मिलेगी तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा लेफ्ट राइट की ऑक्सीजन स्टेट सेम होनी चाहिए। अगर आप एसिड्स को हीट कर रहे हो, अगर आप एसिड्स को हीट करो तो भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वहां पर भी लेफ्ट और राइट की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर जो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है वही ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में बननी चाहिए। तो एसिड्स को जब भी आप हीट करेंगे, देखो ये अभी समझ नहीं रहे हो तुम आप क्या सीखने जा रहे हो, आप रिएक्शन सीख रहे हो बड़े अलग तरीके से। ठीक है, आपकी जो क्या कहते हैं क्रक्स पॉइंट्स हैं वो सीख रहे हो। तो अब आपको कोई भी रिएक्शन करनी होगी तो आपको रिएक्शन नहीं करनी है, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके अपने मन से ऑप्शन सही कर सकते हो। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर किसी ऑक्सी एसिड को या फिर किसी एसिड को हीट किया जा रहा है तो उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज होगी। यहाँ पर फॉस्फोरस की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पर इसकी +5 ही रहेगी, यहाँ पर इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या होगा S, और यहाँ पर H2O6। ठीक है, तो यहाँ पर +6 है तो यहाँ पर +6, तो इसको H2O6 में चेंज करते हैं लेकिन SO3 हो गया। कुल मिलाकर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखनी है, यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखी गई है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या रखनी है, सेम रखनी है। बस ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहने दो, चाहे एसिड को हीट कर रहे हो आप और उससे डायरेक्टली उसके ऑक्साइड्स बना रहे हो या फिर आप वाटर से रिएक्शन करा रहे हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो अगला पॉइंट हमें सीखना है, समझना है, वो क्या है, अपना फजान रूल। फजान रूल अब क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बता चलेगा। देखिए फजान रूल को पहले समझ लेते हैं। फजान रूल का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जो आयनिक बॉन्ड होता है, कोई भी जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कभी भी 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं हो सकता है, उसमें कभी भी 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं हो सकता है। मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर 91% के अराउंड पाया जा सकता है किसी भी आयनिक बॉन्ड में। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट हो सकता है लेकिन कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंसी आ जाएगी।
इलेक्ट्रॉन काउ क्लाउड जो है कैटायन का, वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने अंदर खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा उनके बीच के इलेक्ट्रॉन काउड की शेयरिंग हो जाएगी और वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो इन्होंने बताया कि आपका जो कैटायन है वो जितना छोटा होगा, स्मॉलर द कैटायन और लार्जर द एनायन, जितना छोटा आपका कैटायन होगा और जितना बड़ा आपका एनायन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही आपस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में शेयर होंगे, तो उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। अब जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा तो आयनिक कैरेक्टर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, छोटा कैटायन ढूंढना है, बड़ा एनायन ढूंढना है, और ज्यादा पोलराइजेशन होगा वहां पर और उस केस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, आपका जो कैटायन है ना, कई बार आपके पास ऐसा केस आएगा कि आपके पास ये छोटा बड़े वाली बात आप समझ ही नहीं पाओगे, जैसे CuCl और NaCl, जैसे आपका CuCl, जैसे आपको कंपेयर करना है कि किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, CuCl और NaCl, तो आप कहोगे भैया अब इसका हम बताओ, हम कैसे बताएं कि Na+ और Cu+ का साइज क्या है, हम कैसे कंपेयर कर लें आपस में। हम कहेंगे हाँ यार सही बात है, आप सही बोल रहे हो उनसे, तो हम कहेंगे सुनो, अच्छा तुम्हारी बात ये सुनो, तुम एक पॉइंट और देखो फजान रूल का जो तुम नहीं पढ़ते, तुम देखो ये बात सुनो कि जो तुम्हारा ये कैटायन जो है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैटायन का, अगर कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो नूबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, कैटायन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, स्यूडो नूबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उस केस में वो जो आपका कैटायन है वो बढ़िया है, वो एकदम मस्त है, वो क्या है, वो हाई पोलराइजेशन कर सकता है, वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर क्रिएट कर सकता है। तुम तुरंत पूछ लोगे तुम फटाक से कि सर जी ये बता दो ये स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो हम कह देंगे देखो नकली तरीके से, मतलब स्यूडो का मतलब होता है मतलब झूठा है, झूठा नोबल गैस है, दिखता है नोबल गैस लेकिन है नहीं नोबल गैस। नोबल गैस देखिए 2818 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, 2818 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब मैंने आपकी कहा जिंदगी को और भी सिंपल कर दिया, मैंने आपको ये बना के दे दिया, डी ब्लॉक के जो लास्ट वाले दो एलिमेंट्स होते हैं ना, तो 10th वाला जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और 9th वाला जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायंस। अगर ये कैटायन है तो क्या है, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो इन दोनों में से कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा है, CuCl में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, CuCl में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, ज्यादा। ये तो बात हो गई फजान रूल। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है लैटिस एनर्जी, क्या, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो होती है वो सीधा सदा आपका फिर से वही आपकी बॉन्ड लिंडे इक्वेशन से रिलेटेड है, ये फिर से वही दो चार्ज एटम्स जो हैं वो दो चार्ज एटम्स के चार्ज का आपस में मल्टीप्लीकेशन, मतलब कुल मिला के चार्ज अपॉन साइज। लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज अपॉन साइज पे, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, जितना ज्यादा चार्ज उतना बढ़िया लैटिस। अब जितना देखो लैटिस बनाना है मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स बनाना है बढ़िया सा, तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, लैटिस बनाना है तुमको, तो लैटिस बनाने के लिए अगर छोटे छोटे एटम्स होंगे तो बढ़िया से कॉम्पैक्ट करके बढ़िया लैटिस क्रिएट करेंगे, और अगर ज्यादा चार्ज वाले लैटिस होंगे तब भी उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ पर चार्ज मल्टीप्लीकेशन अपॉन साइज लिखोगे तो हमेशा दिमाग में ये बात ध्यान रहेगी कि चार्ज मल्टीप्लीकेशन चेक करना है, चार्ज नहीं चेक करना है, चार्ज मल्टीप्लीकेशन चेक करना है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या चेक करना है, साइज चेक करना है, पहले चार्ज चेक करना है फिर साइज चेक करना है। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर ये है लैटिस एनर्जी का करेक्ट ट्रेंड, ये क्या है, लैटिस एनर्जी का करेक्ट ट्रेंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये KF क्या है +1 -1, ये क्या है +1 -1, ये क्या है +2 -2, ये क्या है +2 -2। सबसे पहले आपने चार्ज देखे, जब आपने चार्ज देख लिए तो यहाँ पर देखा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 1, इनका मल्टीप्लीकेशन 1, इनका मल्टीप्लीकेशन 4, इनका मल्टीप्लीकेशन 4, तो यहाँ पर चार्ज मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है, तो पहले चार्ज,
तो पहले चार्ज यहाँ पर ज्यादा है, तो पहले ये दोनों का जो लैटिस एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इन दोनों की। फिर इन दोनों को जब आपस में कंपेयर करना है तब आपको देखना है साइज, तो mg का साइज छोटा है, तो mg का साइज छोटा है तो छोटा छोटा एटम है बढ़िया से आपस में कंपैक्ट होगा और इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी, Ca होगी उससे कम होगी। फिर इसके बाद इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है तो NaF छोटा है, छोटा सा एटम है, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू Kf, तो लैटिस एनर्जी का ये आपका ट्रेंड होगा। अब जो चार्ज मल्टीप्लीकेशन की अगर मैं तुमसे बात करूं तो चार्ज मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या हो जाएगा आपका NaCl, चार्ज मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या हो जाएगा NaCl, देखिए प्लस वन यहाँ पर प्लस वन प्लस टू माइनस वन, तो यहाँ पर दो आएगा मल्टीप्लीकेशन, यहाँ तीन आएगा, तो ये ज्यादा चार्ज है इसमें ना, तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर इसकी फिर इस, तो ये बात हो गई किसकी, फजान रूल और लैटिस एनर्जी। बात करते हैं अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू की, जो है थर्मल स्टेबिलिटी। और थर्मल स्टेबिलिटी को समझने के लिए ही हमने क्या करा है, लैटिस एनर्जी और फजान रूल समझा है। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको सीधा सीधा मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ, इसके पीछे की जो डिटेलिंग्स है वो हम लोग कभी भी डिटेल्ड ऑनलाइन लेक्चर्स में पढ़ेंगे या जब आप मेडकैम क्लासेस ज्वाइन करोगे किसी ऑनलाइन कोर्स को, ठीक है? ठीक है, क्योंकि कुछ तो बचा रहना चाहिए ना, और हम इतना जल्दी इसको कवर भी नहीं कर सकते ना, क्रैश कोर्स मतलब हमें जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करना ताकि आप एग्जाम देने जा सको। तो थर्मल स्टेबिलिटी है आपकी। अब थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो गया आपका यहाँ पर जो काम है, देखो सीधी सी बात है, जो आपके पास एनायन कॉम्प्लेक्स होगा और जो आपका कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में जो उसका एनायनिक पार्ट होगा वो अगर पॉलीएटॉमिक है, एनायनिक पार्ट पॉलीएटॉमिक है, एनायनिक पार्ट पॉलीएटॉमिक है, तो हम क्या करेंगे फजान रूल लगाएंगे। फजान रूल में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर निकलेगा तो इसका मतलब है सीधी सी बात है लेस आयनिक कैरेक्टर निकलेगा, और लेस आयनिक कैरेक्टर निकलेगा तो वो सीधी सी बात है थर्मली क्या होगा लेस स्टेबल हो जाएगा, एनायन होगा। अगर वो पॉलीएटॉमिक होगा तो पॉलीएटॉमिक होगा तो फजान रूल लगाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा लेस आयनिक कैरेक्टर होगा तो वो थर्मली लेस स्टेबल हो जाएगा। अगर आपका एनायनिक पार्ट मोनोएटॉमिक है, एनायनिक पार्ट आपका क्या है मोनोएटॉमिक है, तो सीधी सी बात है वहां पर क्या करना है, वहां पर आपको यही देखना है कि छोटे छोटे एनायन कैटायन होंगे तो वहां पर क्या होगा हाइयर लैटिस एनर्जी होगी, या फिर मैं कह दूं यहां पर अगर आपको मोनोएटॉमिक एनायन है तो आपको छोटे छोटे एनायन कैटायन ढूंढने होंगे। क्या ढूंढना होगा छोटा छोटा एनायन और छोटा छोटा कैटायन आपको वहां पर ढूंढना होगा, या फिर आप सीधा सीधा कह दो कि वहां पर लैटिस एनर्जी के आधार पर ही थर्मल स्टेबिलिटी को चेक किया जाएगा। और लैटिस एनर्जी को चेक करने के लिए आप चेक की समझ ही चुके हो क्या, चार्ज मल्टीप्लीकेशन पहले देखोगे उसके बाद साइज देखोगे, पहले चार्ज मल्टीप्लीकेशन फिर साइज। तो अगर आपके पास मोनोएटॉमिक एनायनिक पार्ट है तो आप पहले चार्ज मल्टीप्लीकेशन देखना फिर साइज देख, ठीक है? तो यहां से आप थर्मल स्टेबिलिटी ऐसे निकाल सकते हो। तो देखो जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, कार्बोनेट्स आएंगे, कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी पूछेगा। तो कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको पता है यहाँ पर जो एनायन है ये एनायन है, ये एनायन क्या है, ये एनायन पॉलीएटॉमिक एनायन है, और अगर पॉलीएटॉमिक एनायन होगा तो फजान रूल, फजान रूल लगाएंगे। अब फजान रूल क्या कहता है हमसे, फजान रूल कहता है कि जितना छोटा कैटायन बेरिलियम, जितना छोटा कैटायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर, तो जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम। मतलब क्या है, यहां पर Be का जो आयनिक कैरेक्टर है वो सबसे कम है, तो Be का आयनिक कैरेक्टर सबसे कम तो उसकी लैटिस एनर्जी भी सबसे, मतलब सीधी सी बात है आयनिक कैरेक्टर सबसे कम तो उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी सबसे कम, क्योंकि उसमें आयनिक कैरेक्टर कम है तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स कम रहा होगा जिस वजह से वो उतना स्टेबल नहीं हुआ होगा और इस वजह से वो थर्मली भी उतना स्टेबल नहीं रहेगा। तो सबसे कम थर्मली स्टेबल ये, और सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन, जिसका कैटायन सबसे बड़ा, जिसमें पोलराइजेशन सबसे कम, जिसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट है LiO2, NaO2, KO2, RbO2 और CsO2। अब ध्यान रखना यहां पर ये O2 है, तो O2 क्या है आपका पॉलीएटॉमिक एनायन है। अगर यहां पर Li2O, Na2O, K2O, RB2O, CO, CH2O लिखा हुआ है तो यहाँ ये जो एनायन है ऑक्सीजन ये क्या है मोनोएटॉमिक एनायन है। तो मोनोएटॉमिक एनायन के केस में आप सीधा सीधा क्या देखोगे, चार्ज, चार्ज अपॉन साइज, तो सब में चार्ज सेम है तो सीधी सी बात है साइज पर जा रहे हैं,
जिसका साइज सबसे छोटा है उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है, और जिसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है वो थर्मली उतना सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर Li2O सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर Na2O, K2O, Rb2O, CH2O, और यहाँ पर क्या है Li2O की सबसे कम है, CsO2 की सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है तो फजान रूल लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने सीखा, क्या सीखा हमने, हमने सीखा थर्मल स्टेबिलिटी। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ऊपर अपना पीछे वाला की सारी बातें समझी। चलिए आगे देखते हैं, आगे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में निपटा लेते हैं इस पॉइंट को। क्या है अपना, ये आपके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये आपके जो मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर किए जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लैटिस एनर्जी से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि लैटिस को मेल्ट करना होता है। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, अगर लैटिस एनर्जी कंपेयर करना तुम्हें आता ही है, तो जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे NaF, NaBr, NaCl, NaI में ये छोटे छोटे कटायन आयन है, तो इनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब चार्ज तो सेम ही है, तो साइज जिसका छोटा है तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, तो NaF की जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। आई बात इतनी समझ में क्लियरली? चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लो, एक बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, बस तुम सुन लो। अब दोनों सुनो ध्यान से, मैं तुमको इस वीडियो में कम से कम 100 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, या मतलब एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि 100 बताने हो। 100 में से यार देखो मेन ग्रुप चैप्टर ही ऐसा है कि उसमें बहुत कुछ याद करना पड़ता है, इसीलिए तो अभी तक तुम पढ़े नहीं थे ना, इसीलिए तो इस वीडियो को देख रहे हो। तो मैं भी कुछ ऐसे पॉइंट्स तो बताऊंगा ही, जो पॉइंट्स थोड़े बहुत ध्यान रखने होंगे, लेकिन तुम बस एक बार देख लो, तुम्हारी नजरों में जब भी कुछ बस तुम देख ली, अगर तुमने देख भी रखा होगा ना तब भी तुम्हें वो बातें याद रहेंगी। तो इसलिए ये मत सोचो कि यार इसको भी याद करें उसको भी याद करें, तुम एक बार ध्यान से इस वीडियो में उन पॉइंट्स को सुन लो, अपने मन से पेपर में तुम कर लो, ठीक है, इसकी चिंता मत करना। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या कह रहे हैं, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि तुम्हारा, क्योंकि एस ब्लॉक में है हम लोग अभी, तो कैटायन अगर तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप का हो और तुम्हारा जो एनायन हो वो OH- हो, F- हो, या फिर CO3-2- हो, ये तीन एनायन और फर्स्ट ग्रुप का कैटायन, तो इसमें अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे, इसमें आप क्या करोगे, ऊपर से नीचे जाओगे। देखो जैसे पहले ग्रुप, ये मेटल सारे किसके हैं, फर्स्ट ग्रुप के हैं, और यहाँ पर जो एनायन है वो क्या है, एनायन है आपका OH माइनस, यहाँ पर आपका CaCO3 भी, मतलब CO3 माइनस भी हो सकता था, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CH2CO3 भी हो सकता था। तो ऐसे केस में टॉप से बॉटम जाने पर इनकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है सॉलिबिलिटी का ट्रेंड, कई बार पूछ लेता है लैटिस एनर्जी का ट्रेंड, कई बार पूछ लेता है थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड, ठीक है। तो इसलिए सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हारा कैटायन फर्स्ट ग्रुप का हो तो तुम देखो कैसे याद रखो, OH- F- तो लगभग सेम ही है, तो OH- F- तो कहीं पर भी आए, चाहे साला फर्स्ट के साथ आए, सॉरी, चाहे आपका फर्स्ट ग्रुप के साथ आए, चाहे सेकंड ग्रुप के साथ आए, ये OH- F- तो सेम है। तो जो कार्बोनेट्स हैं, आप समझो इतना ध्यान रखो कि कार्बोनेट्स जो हैं वो फर्स्ट ग्रुप के कैटायन के साथ अगर आते हैं कार्बोनेट्स, तब ऊपर से नीचे जाने पर सॉलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हाइड्रोक्साइड तो ऊपर से नीचे दोनों में ही है, चाहे OH के साथ आए चाहे NaH के साथ साथ आए, ऊपर से नीचे जाने पर इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज ही होगी। लेकिन अगर सेकेंड ग्रुप के साथ कार्बोनेट आ जाए, फर्स्ट ग्रुप के साथ आपका ये आ जाए H2O3 आ जाए, तब ऊपर से नीचे जाने पर सॉलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। या फिर मैं कह दूं इसके अलावा सारे जितने अदर केसेस हैं उनमें सॉलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो बस ये सॉलिबिलिटी का एक ट्रेंड है, इसको देख लेना, समझ लेना, याद करने का मन हो तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। क्या है हमारा अगला जो पॉइंट हमें सीखना है, वो सीखना है क्राउन ईथर्स। तो क्राउन ईथर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझो, जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स हो जिनमें इस तरीके से कम चार ऑक्सीजन एटम्स लगे हुए हों, उन्हें क्राउन ईथर्स बोला जाता है। दिस इज नॉट क्राउन ईथर। तो साइक्लिक कंपाउंड विथ 4 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, इनको बोला जाता है साइक्लिक, इनको बोला जाता है क्राउन ईथर्स। तो क्राउन ईथर्स के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आपके जो मतलब एक तरीके से ईस्टर होते हैं ना, साइक्लिक ईस्टर होना चाहिए, और ऑक्सीजन एटम्स कितने होने चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन ईथर बोलते हैं। अब क्राउन ईथर में जो मेन पॉइंट है आपको ध्यान रखने वाला, वो ये है कि कौन सा क्राउन ईथर किस कैटायन को कैप्चर करता है। ये क्राउन ईथर्स क्या करते हैं, अपने अंदर यहाँ पर बीच में जो कैविटी होती है, इस कैविटी में मेन ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये Li+ इसके अंदर की जो जगह होती है ना, वो एंगस्ट्रॉन्ग में इतनी बड़ी होती है कि यहाँ पर Li+ आकर आराम से फिट हो सकता है। तो
तो जब चार ऑक्सीजन की कैविटी होगी तो चार ऑक्सीजन के साथ लिथियम फिट हो सकता है, पांच के साथ एन ए फिट हो सकता है, छह के साथ के फिट हो सकता है, सात के साथ आर बी फिट हो सकता है, आठ के साथ सी एस फिट हो सकता है। ये एक्चुअली होता ही इसलिए है क्योंकि जो इन छह ऑक्सीजन एटम की कैविटी बनती है ना वो परफेक्टली के प्लस के साइड से मैच करती है, इसलिए के प्लस उस कैविटी में अच्छी तरीके से कैप्चर हो जाता है जाके। तो यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि एम प्लस को 18 ग्राउंड 6 के साथ मिलाया गया और ये आपका क्या नाम है कॉम्प्लेक्स बना। तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए मतलब जो मेटल है चार ऑप्शन दिए हुए इनका क्या सही क्रम हो सकता है। तो देखिए सबसे ज्यादा बढ़िया छह के लिए सबसे बढ़िया क्या है ये आपको ध्यान रखना है, चार पांच छह सात आठ लीना कब्र से फरार। वैसे तुमने ये याद करना तो आता ही है ना, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप, चलो मैं बीच में भी बता दूंगा या फिर नीचे ही अपने पास फोटो आ रही है तो यहाँ पर कर लेंगे हम। तो सबसे पहले के प्लस से, अब देखो के प्लस के बाद आर बी प्लस आएगा क्योंकि ये बड़ा साइज है और सी एस और एन ए लगभग बराबर और एन ए ये इसमें याद नहीं रखना है, बस याद ये वाला पॉइंट आपको क्या करना है याद रखना है ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है एस ब्लॉक का लास्ट पॉइंट ध्यान रखना कि बेरेलियम जो है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सेशन करता है, बेरेलियम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सेशन करता है। चलिए बात करते हैं अब आगे की पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट में चलो एक बार हम ये लोग बात कर लेते हैं कि कैसे याद रखना है, नाम कैसे याद रखना है। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप जो है आपका ये लिथियम हलीना कब्र से फरार ऐसे होता है, हलीना कब्र से सीएस और यहां पर फरार, हलीना कब्र से फरार ऐसे याद करते हैं, मतलब मैंने ऐसे याद किया, बाकी तुम लोग ने कोई ना कोई तरीका तो अब तक आपको मिल ही गया होगा, आपने याद कर लिया होगा। अगला क्या है बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई या फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी या फिर बाप रोए, जो भी चाहो याद कर लो। वैसे यहाँ पर ये क्या है बॉल बी ए बी है ना और ए एल है तो बॉल गेंद इंडिया तेंदुलकर, ये मैच का हो गया एक तरीके से बॉल गेंद इंडिया तेंदुलकर। और ये बढ़िया है चौथा वाला का सी गए एस एन पी बी या फिर शंकर पार्वती, का सी गए शंकर पार्वती ठीक है। इसके बाद ये क्या है एन नाइट्रोजन वाला नाइट्रोजन फैमिली नाचो प्यारे आज सब भी जैसे सभी एस बी बी आई तो नाचो प्यारे आज सभी ठीक है। और ये अपना वही है उससे टीपो उससे टीपो। और ये क्या है पकल ब्रियात मतलब ऐसे याद कर रखा है हम लोगों ने एक वर्ड पकल ब्रियात ऐसे फकल ब्रियात एक सिंपल सा वर्ड है फकल ब्री आर आई और आर फकल ब्रियात। इसके बाद ये थोड़ा ट्रिकी है तुम लोगों ने पता नहीं कैसे याद कर रखा हो, देखो हिम नित्य अनर्थ करता जिराफ की रेस में ऐसे याद कर रखा है हिम नित्य अनर्थ करता जिराफ की रेस ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गोइंग टॉप टू बॉटम। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तुम ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको पता होगा ना इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है इंक्रीज होती है, लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है इंक्रीज होती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की एनर्जी जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। जैसे जी ए प्लस आई एन प्लस टी एल प्लस थ्री तो ये है आपके पास कहाँ गया जी ए आई एन टी एल तो इनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट हो सकती है वो कितनी हो सकती है प्लस थ्री हो सकती है। तो प्लस थ्री की स्टेबिलिटी देखो ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है इसीलिए जी ए प्लस ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू आई एन और एज कम्पेयर टू टी एल। तो ये पहला पॉइंट आपको पी ब्लॉक का अपने दिमाग में रख लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नीचे आगे आते हैं पी ब्लॉक में चलिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 13 ग्रुप एलिमेंट। 13 ग्रुप एलिमेंट में एटॉमिक साइज की बात करूं अगर मैं तो उसी तरीके से यहां पर मेन बात क्या हो जाती है कि देखिए आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है आपका एटॉमिक साइज क्या होता है इंक्रीज होता है ठीक है ना। सेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है इंक्रीज होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि अगर जैसे ही आप इससे सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में गए तो ठीक है एक सेल बढ़ी साइज बढ़ गया, लेकिन जैसे ही आप सेकेंड से थर्ड से फोर्थ में जाते हैं तो क्या होता है यहाँ पर डी कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है डी और डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और डी इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से वो इतनी अच्छी शील्डिंग नहीं करते हैं।
तो यहाँ पर डी कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से इसका जो साइज होता है ये एल्युमिनियम से भी छोटा हो जाता है, एल्युमिनियम का साइज बड़ा रहता है। फिर इसके बाद इसमें अब इसको आपस में इन दोनों को कंपेयर करोगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर नॉर्मली दोनों डी ऑर्बिटल में डी ब्लॉक के हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स दोनों में हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक सेल बढ़ी तो साइज बढ़ गया, लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ आई एन से टी एल में जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एफ कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो एफ कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से, एफ ऑर्बिटल आने की वजह से, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से यहाँ पर साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इन दोनों का इस टीएल का साइज बड़ा तो रहेगा, इस टीएल का साइज बड़ा तो रहेगा, लेकिन लगभग बराबर भी रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप एटॉमिक साइज की बात करोगे तो एटॉमिक साइज में सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज तो नीचे वाले का ही होगा, सीधी सी बात है यार, साइज इसका बड़ा होगा ना सबसे ज्यादा टीएल का, तो सबसे ज्यादा टीएल का है, टीएल के बाद आईएन है, टीएल के बाद आईएन है, आईएन के बाद एल्युमिनियम है, फिर जीए है, फिर बोरॉन। तो हो सकता है तुमसे सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि एटॉमिक साइज का करेक्ट ट्रेंड बताओ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है आपके पास, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमने इससे पहले जो स्टार्टिंग में सीखी थी वो तो ठीक है जो हमने सीखी थी, लेकिन सेकंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ऐसा, जब डी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या फिर एफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो देखो ऊपर इसका ये छोटा है, छोटा सा बोरॉन एटम है, तो ऊपर से नीचे गए तो इसका साइज बड़ा हो गया, तो इसलिए इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, एल्युमिनियम की कम है। ये उससे बड़ा हो गया था तो इसकी भी मतलब एल्युमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, इसकी कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉन आ गए। अब डी में इलेक्ट्रॉन आ गए तो डी में इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से क्या हो गया, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो गई, फिर जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एल्युमिनियम से ज्यादा। इसी तरीके से आईएन के बाद ये टीएल में एफ इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई, तो सबसे ज्यादा बोरॉन की। बोरॉन के बाद आप रखना तो चाह रहे थे जीए, पहले एल्युमिनियम को रखना चाहते थे, लेकिन एल्युमिनियम से कौन जीता, जीए। फिर जीए किससे ज्यादा है, आईएन से ज्यादा है, और आईएन से भी ज्यादा कौन है, टीएल है। तो सबसे पहले ध्यान रखना इस बात को, बोरेलियम, उसके बाद आपका टीएल, उसके बाद आपका जीए, फिर आपका आईएन, और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, एल्युमिनियम की होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन आपके ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग अगर इसके आगे बात करें, अगला बात करें बोरिक एसिड की, इसकी बात करते हैं बोरिक एसिड की। तो बोरिक एसिड H3BO3, बोरिक एसिड क्या है, H3BO3, ऑर्थो बोरिक एसिड भी जिसे कहा जाता है। तो ऑर्थो वर्ड जो होता है वो हम लोग जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं ना, तो उसे ही ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। तो ऑर्थो वर्ड क्यों यूज किया जाता है, कब यूज किया था, अभी हम लोग कुछ देर में सीख रहे होंगे कि नेमिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑक्सी एसिड, या फिर नेमिंग अभी हम लोग कुछ देर में पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्थो बोरिक एसिड H3BO3 ये आ गया आपके सामने। अब देखो तुम लोग अब फिर से इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करो, और स्टॉप करने के बाद इस कंपाउंड का नाम नीचे कमेंट करो, नीचे नाम कमेंट करो। इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराने पर आपका ऑर्थो बोरिक एसिड बनता है, और अगर आप ऑर्थो बोरिक एसिड को बहुत ज्यादा हीट करते चले जाओगे तो सबसे लास्ट में बनाता है सिस्क्वी ऑक्साइड, ठीक है, सिस्क्वी ऑक्साइड, और जो कि B2O3 इसका ये कंपाउंड का नाम है, मतलब स्ट्रक्चर है, मॉलिकुलर फॉर्मूला है, और ये एसिडिक इन कैरेक्टर होता है, और ये क्या है आपका, ये है बोरेक्स। देखिए अब बात करते हैं बोरॉन एलिमेंट के और कंपाउंड्स की, जिन्हें बोरेट्स कहा जाता है। तो ऑर्थोबोरेट मतलब भाई नॉर्मल बोरेट, ऑर्थोबोरेट में ये क्या होता है कि ये BO3 3- सेपरेट, सिंगल बी ऑक्सीजन के साथ 3O- एटम लगे होते हैं, कोई भी ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं हो रहा होता है किसी दूसरे बोरॉन एटम के साथ, तो उसे ऑर्थोबोरेट्स बुलाता है। पाइरोबोरेट्स में क्या होता है, यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन एटम एक कनेक्ट होता है, दो मॉलिक्यूल को बीच से कनेक्ट कर रहा हो एक ऑक्सीजन एटम, तो ऐसे स्ट्रक्चर में आप पाइरोवर्ड देखोगे। ध्यान रखना पाइरोवर्ड कब आता है आपके नाम के बीच में, जब ऐसे दो सेम टाइप के कंपाउंड्स एक ऑक्सीजन शेयर करते हुए आपस में कनेक्ट होते हैं। अब इसका जनरल फॉर्मूला आप निकालोगे तो B2O5 4- 1 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड, लेकिन ये पाइरो वाला ध्यान रखना। अब मेटा क्या क्या मतलब क्या है, मेटा का मतलब हो गया BnH2n n- यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका मिक्स्ड बोरेट, जो कि है आपका क्या जो ऊपर आया था बोरेक्स। अब इस बोरेक्स का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है,
तो बोरेक्स का नॉर्मल फॉर्मूला तो ये है, लेकिन अगर आप इसे सही से क्लियरली लिखोगे तो ये ध्यान रखना, इसमें 8 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 OH मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ये आपका sp2 हाइब्रिड है, 2 बोरॉन एटम्स क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिड होते हैं, और इसके बाद 2 बोरॉन एटम्स क्या होते हैं आपके, sp3 हाइब्रिड होते हैं। तो इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ज्यादा, तो इसको ध्यान रखना, इसका ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना। बनाना बड़ा ही आसान है, 4 बोरॉन एटम्स बनाए, और 4 बोरॉन एटम्स बनाने के बाद उनके बीच में सबके बीच में ऑक्सीजन एटम घुसा दिए, OH ग्रुप आपने लगा दिया, ठीक है। और इसी में लास्ट में आपके पास क्या बचता है, लास्ट में बचता है आपके पास ये परोक्सोबोरेट। परोक्सोबोरेट में क्या है, आपके परोक्सी बॉन्ड्स होते हैं, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब बोरेट्स के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे पास बोरेन। वो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, बोरेन। तो बोरेन है आपके पास, ये बोरेन मतलब क्या होता है, बाइनरी बोरॉन और हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड, मतलब सिर्फ बोरॉन और हाइड्रोजन ही होंगे। अब कितने होंगे इस पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन होंगे यही दोनों, बोरॉन और हाइड्रोजन ही होंगे, इसलिए बाइनरी का प्रोडक्ट बोला जाता है। अब देखो इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, तो ये कंपाउंड जब किसी से रिएक्ट करेगा तो दो तरीके से ब्रेक हो सकता है, ये डाइमर है, दो तरीके से ब्रेक हो सकता है। एक ब्रेक हो सकता है अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल इस तरीके से ब्रेक होगा, क्या होगा, BH2 पॉजिटिव बनेगा और BH4 निगेटिव बनेगा। और दूसरा है आपका सिमेट्रिकल क्लीवेज। तो सिमेट्रिकल क्लीवेज कैसे होगा, ऐसे होगा और इसमें दो BH3 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। अनसिमेट्रिकल में BH2 पॉजिटिव, BH2 पॉजिटिव और BH4 निगेटिव, और यहां पर क्या होगा, दो BH3 निकलेंगे, BH3 सिमेट्रिकल क्लीवेज। तो सिमेट्रिकल क्लीवेज कौन कराएगा, सिमेट्रिकल क्लीवेज कराएंगे बड़े बड़े लोग, ठीक है, बड़े बड़े लोग सिमेट्रिकल क्लीवेज कराएंगे। छोटे छोटे लोग क्या करेंगे, ऐसी तैसी कर देंगे। छोटे छोटे लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिकल लेस बल्की ग्रुप्स क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कराएंगे। छोटे लोग क्या करेंगे भाई, गंदा काम करते हैं, आपस में लड़ाई करा देते हैं, सही से बंटवारा नहीं करते हैं, ऐसे ध्यान रखना है। छोटे लोग सही से बंटवारा नहीं करेंगे, गलत काम करेंगे। छोटे लोग हैं कौन, ये हैं छोटे लोग कौन, लिथियम प्लस, Na+, NaNH3, NHe2, Et2 और PS3। ये भी ध्यान रखना, NHe2 भी लेस बल्की ग्रुप है, तो लेस बल्की ग्रुप किस तरीके से तोड़ेगा, अनसिमेट्रिकली। देखिए B2H6 की रिएक्शन NH3 से कराई गई, कहाँ गई है, B2H6 की रिएक्शन PS3 से कराई गई। देखो ये लेस बल्की ग्रुप है, तो उसने क्या किया, इसको कैसे ब्रेक किया, BH2 पॉजिटिव, तो उस BH2 पॉजिटिव के साथ क्या हुआ, दो PS3 ग्रुप लग गए और ये कटायन आ गया और BH4 निगेटिव। अगर बड़ा ग्रुप डालते Et3N की तरीके, तो वो क्या करता, सिमेट्रिकल क्लीवेज करता, वो BH3 निकालता और उसके साथ खुद एक कोऑर्डिनेट हो जाता, तो BH3 और BH3 के साथ कोऑर्डिनेट हो जाता आपका Na3। अब जो आपका BH3 मॉलिक्यूल है, ये BH3 मॉलिक्यूल के साथ अगर हम लोग बात करें BF3 की, ठीक है, इसी का सब्स्टिट्यूटेड वर्जन बात कर लेते हैं BF3। तो आपको पता है कि बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, क्योंकि 1s2, 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पर 2p2, ठीक है, कुछ इसी तरीके से होता है। तो आप जब तीन फ्लोरीन एटम इसके साथ बॉन्डिंग करते हैं तो उसके पास क्या होता है, एक यहाँ पर ऑर्बिटल क्या रहता है, एक पी ऑर्बिटल वैकेंट बच जाता है, एक पी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम इसका कर लेना, ठीक है, अब ये सब बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। इसके पास क्या होता है, इसके पास एक ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है। तो वैकेंट होने की वजह से क्या होता है, फ्लोरीन एटम्स, ये जो फ्लोरीन एटम्स हैं इनके पास देखो एक तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्योंकि बहुत छोटा एटम होता है, छोटा एटम होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से, किसकी वजह से, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ये फ्लोरीन एटम्स के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो कि 2p ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं, और ये जो खाली ऑर्बिटल पड़ा है जो कि 2p ऑर्बिटल में, बोरॉन एटम एकदम बिल्कुल भूखा प्यासा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। और जब ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, आपको पता है केमिस्ट्री में, फिर सबके सब पगला जाते हैं, फिर उनको चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहे कैसे भी मिले। तो क्या होता है, ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करता है, ये इसको शेयर कर देता है ना, कमाल की चीज। एक ऐसा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे खतरनाक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम फ्लोरीन, अभी बताया था ना 4 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थी,
वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, सोचो सिनर्जिक बॉन्डिंग के थ्रू, मतलब एक बॉन्ड बना हुआ है और उसके अलावा उसके ऊपर दूसरा बॉन्ड बना रहा है और अपने फिल्ड ऑर्बिटल से इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, बोरॉन की जो लेविस एसिडिटी है, जो इसकी लेविस एसिडिटी है, लेविस एसिडिटी है वो डिक्रीज हो जा रही है। लेविस एसिडिटी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स मिल जा रहे हैं फ्लोरीन से, इसलिए डिक्रीज हो जा रही है। और इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, बैक बॉन्ड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बैक बॉन्डिंग या फिर बैक बॉन्ड, ठीक है। तो ये बैक बॉन्ड है यहाँ पर बन रहा है, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से मतलब ये BF3 BH3 पड़ गया, तो मैंने BF3 की ये बात बता दी आपको, ठीक है। अब चलिए अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप ध्यान रखिएगा, वो रिएक्शन क्या है आपकी, वो रिएक्शन है B2H6 की रिएक्शन। अगर आप NH3 से कराओ तो दो केस होते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाई टेम्परेचर पर कराओगे तो आपका बोरॉन नाइट्राइड बनता है, जो कि एक लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरा लेयर के ऊपर लेयर होती है, जैसा ग्रेफाइट होता है, ठीक है। और B2H6 की रिएक्शन अगर आप NH3 में कराओ और NH3 बहुत ज्यादा एक्सेस में डाल दो तो आपका बनता है बोराजीन। क्या बनता है, बोराजीन, B3N3H6 बोराजीन बनता है, जो कि इनऑर्गेनिक बेंजीन है। तो क्या है बोराजीन, चलिए समझते हैं इसको, क्या है बोराजीन। बोराजीन जो है आपका, ये आपके सामने कुछ इस तरीके से बोराजीन बना हुआ है, ये आपके सामने कुछ इस तरीके से बोराजीन बना हुआ है, ये है आपकी इनऑर्गेनिक बेंजीन और ये है आपकी ऑर्गेनिक बेंजीन। यहाँ पर ये देखिए बोराजीन है आपका, अब ये बोराजीन आपका ये रहा इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये है ऑर्गेनिक बेंजीन। अब इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होती है भैया, ये थोड़ी सी मोर रिएक्टिव होती है और ये एडिशन रिएक्शन शो करती है। इसमें आप किसी चीज की रिएक्शन कराओगे ना तो ऐड हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन शो करेगा, जबकि ये लेस रिएक्टिव होती है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होती है। अगर इन दोनों को कंपेरिजन करोगे तो ये ज्यादा स्टेबल है ऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। और इस पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जबकि बोराजीन में यहाँ पर क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। तो कौन सी एडिशन रिएक्शन होती है समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी HCl की रिएक्शन कराई, तो आपने HCl की रिएक्शन कराई या फिर किसी से भी आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो उसमें जो उसका इलेक्ट्रॉन डोनर वाला पार्ट होगा, जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा, वो हमेशा किस पर जाएगा, बोरॉन के पास जाएगा, क्योंकि बोरॉन है भूखा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की रहती कमी। तो अगर आप MeOH से रिएक्शन कराओगे तो OMe ग्रुप इस पर जाएगा, हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ जाएगा। इसी तरीके से HCl की रिएक्शन कराई तो क्लोरीन यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये गया क्लोरीन तीनों बोरॉन एटम के ऊपर और बाकी हाइड्रोजन एटम क्या हुआ यहाँ यहाँ अपना चला। तो बस ये बात आपको बोराजीन के बारे में ध्यान रखना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिडिटी ऑफ बोरेन्स, बोरेन्स की एसिडिटी को कंपेयर करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है जो जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। देखिए इफ नंबर ऑफ बोरेन एटम्स आर नॉट सेम, अगर नंबर ऑफ बोरेन एटम्स सेम ना हो तो जिसके पास जितने ज्यादा बोरेन एटम्स हैं सीधा वो उतना ज्यादा लेविस एसिड है, सीधी सी बात है। आपको ही पता है बोरॉन एटम्स वैसे ही लेविस एसिड होते हैं, तो जिसके पास जितने ज्यादा बोरॉन एटम्स वो उतना ज्यादा लेविस एसिड, हो गया काम खत्म। जैसे B2H4, B2B4H10, B6H14, इनका आपस में उसने कह दिया कि लेविस एसिडिटी का करेक्ट ट्रेंड बताओ, तो बोरॉन एटम्स सेम नहीं है तो जिसके पास बोरॉन एटम सबसे ज्यादा उसकी लेविस एसिडिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद B4 की, इसके बाद B2 की। लेकिन अगर बोरॉन एटम्स सेम हो जाएं, बोरॉन एटम्स सेम हो जाएं, तो आपको बोरॉन का टाइप निकालना पड़ेगा और टाइप निकालने पर एसिडिटी बढ़ती जाएगी। बी सुपर क्लोजो की सबसे कम होती है, फिर हाइपर क्लोजो की होती है, फिर क्लोजो की होती है, फिर नीडो की होती है, फिर अरेक्नो की, फिर हाइपो की और इसके बाद फिर क्लेडो की। तो आपको अगर बोरॉन एटम सेम मिले तो आप सीधा टाइप ऑफ बोरेन निकालना और बोरेन एटम के आधार पर जितना ज्यादा हाइयर बोरेन मिलेगा मतलब क्लोजो से जितने कम हाइड्रोजन होंगे उसके पास, मतलब कुल मिलाकर ये पॉइंट है, ठीक है ना। इसमें हाइपो की सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी, इसकी क्लोजो की मतलब सबसे कम होगी सुपर क्लोजो। आगे बात समझ में, तो ये था भाई इतना। अब चलिए समझते हैं आगे की बात, समझते हैं 14 ग्रुप एलिमेंट के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट। देखो इसमें जो हमें मेन काम का समझना है, क्योंकि अधिकतर चीजें हमने इधर उधर पढ़ ली हैं, क्या समझना है कि ग्रेफाइट जो होता है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म होती है डायमंड से। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड बट काइनेटिकली मोर लेबाइल। तो ग्रेफाइट जो होता है वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है लेकिन काइनेटिकली रिएक्ट कर जाता है, इस वजह से ग्रेफाइट की इतनी ज्यादा इज्जत नहीं है। अगली बात करते हैं कि नंबर ऑफ, अगर आपको पेंटागन्स या फिर हेक्सागोनल रिंग्स निकालनी है फुल रेंज में, तो कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लिए। एक तो है आपके पास डायमंड, एक है आपके पास क्या डायमंड, दूसरा क्या है आपके पास ग्रेफाइट, दूसरा क्या है आपके पास ग्रेफाइट, और तीसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होते हैं फुलेरेन्स।
तो फुल रेंज के बारे में क्या पूछता है आपसे, उसकी पेंटागन और उसकी हेक्सागन रिंग्स के नंबर्स पूछता है और इन दोनों की थर्मोडायनेमिक की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी पूछता है। तो वही बात हम लोग बस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको पेंटागोनल रिंग्स और हेक्सागोनल रिंग्स निकालनी है फुलरेन्स में, तो सीएन टाइप की अगर आपकी फुलरेन है तो पेंटागन जो होते हैं वो हमेशा 12 होते हैं, ध्यान रखना पेंटागन हमेशा कितने होते हैं 12 होते हैं, और जो आपके हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं वो क्या होती है n by 2 minus 10, क्या होती हैं n by 2 minus 10, n by 2 minus 10। तो C60 की बात करें तो 12 होंगी क्या पेंटागोनल रिंग्स, और हेक्सागोनल रिंग्स कितनी होंगी, तो देखिए n by 2 कितना हो गया आपका, n by 2 हो गया 30/2, ये 60/2 30, और 30 minus 10 तो कितना हो गया 20, 35 minus 10 25, 40 माइनस 10 तो 30। इस तरीके से इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इससे आप पेंटागोनल रिंग्स और हेक्सागोनल रिंग्स निकाल सकते हो। अब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करिए तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है आपका, ग्रेफाइट है, उसके बाद डायमंड है, और सबसे कम थर्मली स्टेबल कौन है फुलरीन। अगर रिएक्टिविटी की बात करिए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है फुलरीन है, फिर ग्रेफाइट है, और सबसे कम रिएक्टिव क्या है डायमंड। आ गई बात आपको इतनी क्लियरली समझ में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी। अब इसी में आगे है अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सिलिकेट्स है। तो सिलिकेट्स में देखिए, मैंने आपसे कहा था कि पाइरो वर्ड जब आ रहा है, जब जब पाइरो वर्ड आ रहा है, पाइरो का मतलब होता है एक ही स्ट्रक्चर एक ऑक्सीजन एटम के साथ आपस में कनेक्टेड है, तो ये है आपका पाइरो सिलिकेट Si2O7-6-। ऑर्थो सिलिकेट, नॉर्मल सिलिकेट्स होते हैं, ये सबसे नॉर्मल फॉर्म होती है Si4-4-, नो ऑक्सीजन एटम शेयर। मेटा सिलिकेट्स Si2O6-4- या फिर Si3O2-, यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे, बिल्कुल वही वाली फॉर्म है जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी। तो ये हो गया सिलिकेट्स। इसके बाद अगली बात करें अगर हम लोग 15 ग्रुप एलिमेंट की, तो 15 ग्रुप एलिमेंट में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपसे, इसमें नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड, नंबर ऑफ पीएसपी बॉन्ड, नंबर ऑफ पीएसपी बॉन्ड, इस तरीके से आपसे पूछता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, स्ट्रक्चर मतलब आपसे जानना चाहता है वो। तो देखिए यहाँ पर P4 ये सेम होगा आपके P4O3 की तरह, ठीक है, ये सेम होगा आपके P4O6 की तरह, और ये सेम होगा आपका P4O10 की तरह। तो इनके सबके स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर आपस में सेम है। एक पिरामिड बनाना है आपको, क्या बनाना है पिरामिड बनाना है, और पिरामिड बनाने के बाद आगे देखो क्या करना है, जब तीन सल्फर आए P4S3 आया तो आपने क्या किया, एक सल्फर यहाँ घुसाया, एक सल्फर यहाँ घुसाया, एक सल्फर यहाँ घुसाया, और आपका ये बनकर आ गया स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ठीक है, P4S3 बन गया। P4S6 की बात करी जाए तो तुमने ऊपर रख दिया है, अब तुम्हारे पास ये फास्फोरस बॉन्ड, ये फास्फोरस बॉन्ड, ये फास्फोरस बॉन्ड में जगह बच गई, तो P4S6 में यहाँ पर भी तुमने सल्फर एटम्स को घुसा दिए। अब मैंने तुमसे कहा यार P4S10 बताओ, ऐसे नहीं मजा आएगा, ऐसे मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं कहा मजा नहीं आ रहा तो तुम ऐसा करो, अब हमारे सर पे चढ़ के बैठ जाओ, फास्फोरस कहता है, लो यहाँ आ जाओ सर पे चढ़ जाओ, लो सर पे चढ़ गए, तो जो बची कुची जगह थी वहां पर भी बैठ गए सल्फर एटम। तो इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एक के बाद इस तरीके से बनते हैं, इससे क्वेश्चन पूछता है। अगला इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है हाइड्रोलिसिस का, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन बनता है। तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का जब भी क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आपको दो केस होते हैं, क्या केस होते हैं आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जा रहा है कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म से जा रहा है। तो हम लोग कहेंगे यार ये एसोसिएटिव डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होती है, तो मैं कहूंगा मैं बताता हूं तुमको एसोसिएटिव डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होती है। देखो अगर तुम्हारा सेंट्रल एटम जो है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्या है सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जब वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास नहीं है तो वाटर मॉलिक्यूल तो आकर जुड़ ही नहीं सकता उसके साथ, कोऑर्डिनेट कैसे करेगा भैया, सेंट्रल एटम के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, जितने भी बॉन्ड हैं वो बने हुए हैं ऑलरेडी, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे आकर उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता है, तो पहले उसको अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और इसको अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो इसका मतलब है वो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। और अगर जब वो बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, सीधी सी बात है बोरॉन पर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो ऑलरेडी, तो यहां पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आएगा बोरॉन के ऊपर। तो इस केस में अगर बोरॉन एटम के, सॉरी बोरॉन की बात कर रहा हूं, या फिर मैं कोई भी एटम है आपका, अगर उस एटम का हाइड्रोलिसिस कराना है और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाएगा, और उस केस में अगर उसके पास जो साइड एटम्स हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स होंगे
तो वो क्या करेंगे, वो डीस्टेबलाइज करेंगे कैटायनिक इंटरमीडिएट को, क्योंकि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में कैटायनिक इंटरमीडिएट बनेगा और कैटायनिक इंटरमीडिएट को वो क्या कर देंगे, डीस्टेबलाइज कर देंगे। तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिव साइड एटम्स नहीं चाहिए, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिव साइड एटम्स नहीं चाहिए। तो ऐसा ही एग्जांपल होता है आपका Ci4, CF4, CBr4, CF4, ये वाला केस। इसमें कार्बन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इसलिए इसके साथ लगा हुआ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इसको एक तरीके से हाइड्रोलिसिस के लिए खराब कर दे रहा है, क्योंकि CF3 पॉजिटिव जो बनेगा वो अनस्टेबल होगा। तो इस वजह से इसका हाइड्रोलिसिस, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे कम है। सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका है, Ci4, CBr4, CCl4, CF4। यहीं पर अगर इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता, इफ सेंट्रल एटम हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता सेंट्रल एटम के पास तो क्या होता, तो सीधी सी बात है वाटर मॉलिक्यूल आता और कनेक्ट हो जाता आसानी से, तो उसको तो कुछ करना ही ना पड़ता। तो वहां पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। और इस केस में क्या होता है, इस केस में तो चाहती है जनता की, ओ ओ मेरे सर पे चढ़ जाओ, मेरे सर पे चढ़ जाओ, यहाँ जनता चाहती है आपसे कि भैया आकर कनेक्ट हो। तो इसके लिए अगर इस केस में तुम्हारे साइड एटम से इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव साइड एटम क्या करेंगे ना, अब इन जो वैकेंट ऑर्बिटल है इनको और प्यासा कर देंगे, इनको और ज्यादा प्यासा कर देंगे, इनको और ज्यादा कहेंगे आ जा कुदवा देंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को इनके ऊपर। तो क्या होगा, इस केस में वाटर मॉलिक्यूल को आसानी होगी उसके पास आने में, अगर साइड एटम्स इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स है। तो इसलिए अगर आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जैसे सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, तो इस केस में जो ये फ्लोरीन एटम्स हैं, ये फ्लोरीन एटम इसको हाइड्रोलिसिस के लिए बढ़िया बनाएंगे। तो SiF4, SiCl4, SiBr4, SiI4, ये होगा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का ट्रेंड। लेकिन अगर वैकेंट ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वो मतलब ऑर्बिटल नहीं है, तो उस केस में कहानी उल्टी हो। तो ये रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का ट्रेंड है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला बात करते हैं, देखिए BF3, BCl3, BBr3, BI3। तो मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर BF3 के केस में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी जो लेविस एसिडिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसकी लेविस एसिडिटी क्या है, सबसे कम। इसके बाद सेकंड नंबर पर लेविस एसिडिटी इसकी, थर्ड पे इसकी, और सबसे ज्यादा लेविस एसिडिटी इसकी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर जो BF3 में बैक बॉन्डिंग हो रही है वो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 2p आपका बोरॉन एटम का जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो 2p है, और फ्लोरीन जिस ऑर्बिटल से उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था वो भी 2p था। तो 2p में बढ़िया शेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, इसलिए बैक बॉन्डिंग अच्छी हो रही थी। इस वजह से इसकी लेविस एसिडिटी सबसे कम है। इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में आपके पास 2p है बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल, और क्लोरीन का जो ऑर्बिटल है जिससे इलेक्ट्रॉन वो देगा वो हो जाएगा 3p। तो 2p 3p इतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर 2p 4p में तो बैक बॉन्डिंग उसे माना ही नहीं जाता, और यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग उसे माना ही नहीं जाता। तो इन दोनों केस में तो सीधी सी बात है, ये वही इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट लग गया। माइनस आई इफेक्ट क्या, वही ये समझ लो कि इसकी बैक बॉन्डिंग थोड़ी बहुत कंसीडर होगी, इसकी बिल्कुल ही कंसीडर नहीं होगी। इस वजह से इसकी लेविस एसिडिटी सबसे ज्यादा है। तो इसकी लेविस एसिडिटी सबसे ज्यादा, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम। तो अगर आप लेफ्ट से राइट की बात करोगे तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, बैक बॉन्डिंग उसका रीजन है। ठीक है, इतनी बात क्लियरली समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, आपको देखने लायक बचा रहे बाद में, ताकि ठीक है। अगला, अगर इसके आगे की बात करें आपसे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस की, तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस यहां लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो फिर हमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो इसलिए रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ये है। आगे की बात करें, अगर AlF3, AlCl3, ArBr3, ArI3 की बात करें, तो यहाँ एल्युमिनियम के पास क्या है, 3d ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इसका सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ पर एसिडिटी लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन एटम है उसके पास 3p ऑर्बिटल खाली, तो 3p 2p के बीच में इतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं होती, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कभी काम नहीं करेगी। बैक बॉन्डिंग हमेशा सेकेंड पीरियड में अच्छे से काम करती है, बोरॉन एटम के लिए सही है बैक बॉन्डिंग, एल्युमिनियम के लिए बैक बॉन्डिंग सही नहीं है, इतनी इफेक्टिव नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, ज़ेनॉन कंपाउंड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड।
जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेन ग्रुप में हर एग्जाम, और हम लोग इसे बहुत बढ़िया से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तुम्हें कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक इसकी क्या है कि देखो, अगर इसमें आपका जो ज़ेनॉन है अगर वो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या फिर प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो वो हमेशा ट्राई करेगा प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए। और अगर आपका ज़ेनॉन एटम दो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, वैसे हो सकता है कुछ में हो, पॉसिबल ही ना हो, मैं तुमको बता रहा हूं सिर्फ कि अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को जीरो करना चाहता है। ये ट्रिक है, ये सारे चीजों को देखकर समझकर सीधा सीधा मेन मेन बात बता दे रहा हूं मैं तुमको, जो तुम ढूंढ नहीं पाओगे कहीं से। इसलिए ध्यान से इन पॉइंट्स को सुनना और नोट कर लेना, और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ आपको दिलवा दूं, क्योंकि काफी काम आएगी आपकी ये पीडीएफ, मैं समझ रहा हूं इस बात को, तो मैं कोशिश करूंगा। अगर पीडीएफ नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो गई, मैं पीडीएफ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ दिला दूं इस क्लास की। आगे बात क्या करते हैं हम लोग, कि ये बात हो गई प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा या उससे ऊपर होगा तो वो प्लस सिक्स में जाना चाहता है, प्लस टू में होगा, प्लस थ्री में होगा तो वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पर XeO2 प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट है ज़ेनॉन की, देखो ये XeO3 में चेंज हो गया, प्लस सिक्स में चला गया। XeO प्लस टू है तो देखो ये जीरो में चला गया, ठीक है। XeF4, अब देखो XeF4, मैंने तुमसे कहा था कि वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे फर्स्ट स्टेप है, देखो सब वही चीजें हैं जो अभी तक आपने पढ़ी ना, वही आपको यूज करनी है। सबसे फर्स्ट स्टेप यही स्टेप है यहां पर, सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि ये इसकी प्लस फोर ऑक्सीजन स्टेट को प्लस फोर बना रहने देगा। अब तुम फ्लोरीन में लगा हुआ है तो भैया तुम जबरदस्ती रिएक्शन कराओगे तो XeO2 बन जाएगा, XeF4 से वो क्या बन जाएगा, XeO2 बनेगा, प्लस फोर का प्लस फोर ही रहेगा। अब तुम उसको परेशान कर दोगे, फिर से बहुत वाटर डाल दोगे, तो वाटर तो एम्फोटेरिक का भी काम कर सकता है, आपको पता ही होगा। तो यहां पर इस केस में भैया ये XeO2 से XeO3 भी बन सकता है, ये मेन बात है, यहां पर इस बात को ध्यान रखना। अब अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ज़ेनॉन फ्लोराइड्स XeF6। XeF6 की रिएक्शन तुमने वाटर से कराई तो देखो प्लस सिक्स में था, अब छह फ्लोरीन एटम्स थे, तुमने वाटर जबरदस्ती वाटर में डुबो दिया, तो कहेगा ठीक है भैया हम XeO3 में क्या कर दे रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं, तो XeO3 में चेंज हो गया। अब देखो इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज, SiO2 को क्या बोला था, क्वार्ट्ज बोला था, क्या बोला था, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज बोलते हैं इसको, ठीक है, SiO2 को। आपने XeF6 को अगर क्वार्ट्ज में मिलाया तो ये बनता है XeOF4, और ये बहुत एक्सप्लोजिव होता है, बहुत एक्सप्लोजिव होता है। कभी भी गलती से लैब में XeF6 को क्वार्ट्ज के बर्तन में मत रख देना, धमाका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। काम अभी भी वही हो रहा है, काम क्या हो रहा है, ये अपनी प्लस सिक्स ऑक्सीजन स्टेट में है, SiO2 से रिएक्शन कराई तो भैया ये इसके ऑक्सीजन एक्सेप्टर होता है, बढ़िया ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार रहता है XeF6, तो ये ऑक्सीजन ले लेगा लेकिन प्लस सिक्स ऑक्सीजन स्टेट में रहेगा, तो एक ऑक्सीजन ले लेगा और चार फ्लोरीन लगे रहेंगे, ठीक है। अगली बात, XeO4 की रिएक्शन अगर तुमने दोबारा मतलब एक तरीके से ऑक्साइड डोनर से कराई, XeO3 ऑक्साइड डोनर का ही काम करेगा, देखो XeF6 में रहेगा तो वो ऑक्साइड एक्सेप्टर का काम करेगा, कि कहेगा हाँ भैया ऑक्सीजन दे दो, देखो तुम्हें हर जगह ऑक्सीजन लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही वो XeO3 में जाएगा तो कहेगा बहुत ऑक्सीजन हो गया यार, मैं बोर हो गया ऑक्सीजन से, आप मुझसे ऑक्सीजन ले लो, तो ये इसको ऑक्सीजन और दे सकता है, और ये अभी थोड़े बहुत ऑक्सीजन ले सकता है, तो ये क्या करेगा, XeOF4 प्लस सिक्स ऑक्सीजन स्टेट में ही रहेगा, लेकिन प्लस सिक्स ऑक्सीजन स्टेट से चला जाएगा प्लस सिक्स में, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन आइटम क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। अब तुम्हारे पास सी एस आई आर नेट में फिर से चार नंबर का यही क्वेश्चन पूछा गया था अभी नवंबर 2020 में, क्या, कि द रिएक्शन ऑफ XeF6 विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वार्ट्ज गिव्स अ कंपाउंड ए, ये दिया आपका ए दिया इसने, ठीक है, देन ऑन रिएक्शन विथ एन इक्विवेलेंट ऑफ XeO3 इट गिव्स बी, तो बी क्या है, XeO2F2, तो XeOF4 और XeO2F2 आपका बी आंसर क्या है इसका, सही है, बी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका पूछा गया था नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 में सी एस आई आर नेट। और भैया बाकी जो नेट के बाकी एग्जाम के लोग हैं ना, तो माय एग्जाम के भी क्वेश्चन बस मैंने इंक्लूड नहीं करे हैं, तो माय ऑलरेडी हो रहे हैं, ठीक है, ये तो हम लोग सबसे टफ वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, अब देखो XeF6 की रिएक्शन तुमने वाटर से कराई तो सबसे पहले क्या हुआ, XeOF4 बना, प्लस सिक्स से प्लस सिक्स में रहा, ठीक है, ध्यान रहेगी बात,
अब आपने एक्सी ओ एफ फोर की रिएक्शन दोबारा वाटर से करा दी, तो अब तुम जब उसको मजबूर करोगे तो भैया वो मजबूरी में जाएगा एक्सी ओ थ्री की तरफ। तो पहले क्या करेगा, एक ऑक्सीजन लिया, फिर वो क्या करेगा, दो ऑक्सीजन ले लेगा, लेकिन रहेगा प्लस सिक्स में ही, रहेगा प्लस सिक्स में ही। अब तुमने एक्सी ओ टू एफ टू की रिएक्शन फिर से वाटर से कराई तो ये एक्सी ओ थ्री में चले जाएगा। तो यहाँ पर ये किसमें रहेगा, प्लस सिक्स में ही है। मतलब क्या हुआ कि एक्सी एफ सिक्स की रिएक्शन वाटर से कराने पर एक्सी ओ थ्री में चेंज हो जाएगा। ये इसकी क्या थी, मैकेनिज्म एक तरीके से समझ सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है इसी से रिलेटेड ज़ेनॉन फ्लोराइड्स की, वो है एसिडिटी, एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ ज़ेनॉन फ्लोराइड्स, एक्सी ज़ेनॉन फ्लोराइड्स की या फिर ज़ेनॉन कंपाउंड्स की एसिडिटी। तो आपको पता है ये लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के आधार पर ऑक्साइड ले दे सकता है, तो इसलिए इसकी एसिडिटी एसिडिक होता है ये। तो देखो यहाँ पर जब भी आपको बहुत खतरनाक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चार नंबर देगी आपको नेट में, जैम में दो दो नंबर देगी और बाकी एक एक दो दो नंबर आपको बाकी एग्जाम्स में। इसमें सबसे ज्यादा तो एसिडिक जो कंपाउंड होता है वो होता है XZF6। XZF6 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्लस सिक्स होती है, लेकिन प्लस सिक्स और साथ में छह छह फ्लोरीन एटम, सोचो इस ज़ेनॉन की क्या हालत होगी। ये तो बेचारा अंदर ही अंदर मर चुका होगा, इतने फ्लोरीन एटम्स इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे ना, भूखा नंगा हो गया होगा ये तो। और ये वही ज़ेनॉन है जिसे आइडियल गैस आप वो मतलब नोबल गैसेस आप पढ़ते आए हो, ये तो कह रहा था हम रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन छह फ्लोरीन ने ऐसा घेरा, ऐसा फंसाया बेचारे को कि ये कंपाउंड भी बना रहा है और सबसे ज्यादा एसिडिक भी है। तो XZF6 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद आपको क्या देखना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी होगी, और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी तो उस केस में हाइयर फ्लोरीन कंटेंट, अगर हाइयर फ्लोरीन कंटेंट जितनी ज्यादा जिसके पास फ्लोरीन होंगी वो मोर एसिडिक, उतना ही क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो एसिडिक होगा बस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर XZF6, इसके बाद आएगा आपका XZ, उसके बाद O3F2, और यहाँ पर इसके बाद आएगा XZO4, और इसके बाद आएगा आपका कुछ भी मान लो XZO2F2, ठीक है, इस तरीके से। देखो अब इसमें देखो तुम ध्यान से, अब इसके बाद और कर लो मैंने यहाँ पर क्या कर दो XZO3 मान। तो ये क्या है, एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर है। कैसे आपने पता किया, देखो ये तो सबसे, ये तो टॉप पर है भाई अपना, खतरनाक ये है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो प्लस एट, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो प्लस एट, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो प्लस सिक्स, इसमें निकालो प्लस सिक्स। तो जब प्लस एट को आपस, देखो पहले तो ये सबसे ऊपर, उसके बाद फिर प्लस एट वाले, उसके बाद प्लस एट वाले, प्लस एट वालों को आपस में कंपेयर करना है, तो जिसके पास फ्लोरीन ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आ गया, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, तो जिसके पास फ्लोरीन ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक हो गया। दिस इज द वे टू कंपेयर द एसिडिटी ऑफ ज़ेनॉन फ्लोराइड्स। ये क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इस कॉन्सेप्ट से, मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं है, ये मत समझना कि आते नहीं है, बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक पार्ट आप क्या करना है ना, इस वाले पार्ट को ऐसे, या फिर मैं इस वाले पार्ट को ऐसे, देखो इस वाले पार्ट को मैं ऐसे, ये अपने पास इंपॉर्टेंट है, ऐसे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, रखेंगे ना, बिल्कुल कमेंट करते ना, करना पूरा वीडियो देखने के बाद। अब देखो नेक्स्ट है ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली में कोई कुछ ज्यादा खास नहीं है, सब कुछ हम लोगों ने इसको इधर उधर पढ़ ही लिया है। बस ये SN कॉम्प्लेक्स बनाता है एक, अगर सल्फर की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ तो SN4 ये बनता है, और SCl2 की NH4Cl से रिएक्शन कराओ तो ये SN बनता है, जो कि एंटी एरोमेटिक होता है। अब कैसे होता है, इस बात को मैंने ज्यादा सर्च नहीं किया है और मुझे अभी पता भी नहीं है, तो अगर मुझे पता चलता है तो मैं इस बात को पिन करूंगा आपके लिए इस वीडियो में, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर आप Cl2 से करा दो तो ये S4N4Cl2 बनाता है, और इसकी रिएक्शन अगर आप AgF से करा दोगे तो दो क्लोरीन दो फ्लोरीन से चेंज हो जाता है। तो इतना बस हल्का सा ध्यान रखना कि S4N4 भी एक चीज होती है जो कि एंटी एरोमेटिक होती है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और S3N3Cl3 ये एरोमेटिक होता है, ये एरोमेटिक होता है। तो ये मतलब ध्यान रख लेना, तो कोई बात नहीं, नहीं रखना तो इसको स्किप कर सकते हो। इसके बाद अगली बात जो आ रही है वो आ रही है नोबल गैसेस से सीधा लाइव आ रही है आपके पास। देखो आप नोबल गैसेस तक पहुंच गए, इसमें बस दो ही बात ध्यान रखनी है, ऊपर से नीचे जाने पर आपका साइज बढ़ रहा है, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी
सीधा सीधा बढ़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इसका है, सबसे बॉइलिंग मेल्टिंग बॉइलिंग मेल्टिंग बॉइलिंग मेल्टिंग बॉइलिंग मेल्टिंग बॉइलिंग मेल्टिंग, ठीक है। अब जो आएंगे दो पार्ट वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड्स जो हम लोग पढ़ते हैं मेन ग्रुप में वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके हाइड्रा एसिड्स, जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन एटम लगा होता है तो वो हाइड्रा एसिड हो गया। इसके बाद दूसरे होते हैं ऑक्सी एसिड्स, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम स्पेसिफाई करके ऑक्सीजन ही हो जाए, तो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन एटम अगर है, ऐसा एसिड है आपके पास, तो उसे बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन 2019 में आपके नेट के एग्जाम में आया हुआ था, 4 नंबर का फिर से। तो देखिए ऑर्थो एसिड्स का मतलब होता है, मैंने पहले ही बता दिया, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं और क्लियर कर दे रहा हूं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जब आपका एटम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मतलब जैसे सल्फर जो है आपका वो +4 +6 में पाया जाता है ना, तो +4 +6 उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉस्फोरस +3 +5 में पाया जाता है, ये इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तब ऑर्थो यूज किया जाता है वर्ड, और उसे हम लोग कई बार ऑर्थो भी नहीं यूज करते हैं जनरली। ये फॉस्फोरिक एसिड की तरह हम लोग इसका नाम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। हम लोग क्या पढ़ते हैं इसका नाम, फॉस्फोरिक एसिड नाम पढ़ते हैं। इसका नाम क्या पढ़ते हैं, फॉस्फोरस एसिड। तो एक एसिड का मतलब हो गया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है आपका एलिमेंट, और मैक्सिमम से अगर दो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कम है, या फिर ये समझ लिया करो कि मैक्सिमम में है तो एक एसिड, और मैक्सिमम से कम है तो उसे अस एसिड नाम दिया जाता है, या फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसे हम लोग अस एसिड नाम देते हैं। तो +5 में है तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, +3 में है तो ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, +6 में है तो ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड, +4 में है तो ऑर्थो सल्फ्यूरस एसिड। ये तो जनरल नेम्स हो गए, लेकिन अगला वर्ड आया फिर से पाइरो एसिड्स का। क्या आया, पाइरो एसिड्स का। तो पाइरो एसिड में तुम्हें ये बात क्लियर पता है। इसके बाद अगली चीज तुमको इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एक एसिड है कि अस एसिड है। एक एसिड है तो उसमें तुम सल्फर को +6 में डालोगे, सल्फर को किस में डालोगे, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, और अगर अस एसिड है तो तुम उसको +6 -2 कर दोगे, तो यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रखोगे। उसी हिसाब से तुमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, इसके फॉर्मूले अब इस हिसाब से याद कर लेना, H2H2O7, और ये हो गया आपका H2S2O5। तो वो करते हैं आपसे, वो पूछेंगे, आपसे पूछेंगे वो इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें कितने SOS बॉन्ड हैं, कितने SOS बॉन्ड हैं, इस तरीके से पूछेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ये पूछ लेगा आपसे, इसी तरीके से स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन पूछेगा आपसे इसमें, ठीक है। अभी अगर होगा तो शायद मैंने इंक्लूड किया हो, हाँ ये नीचे इंक्लूड किया है, ये 2019 में पूछा गया था नेट में क्वेश्चन। अब तीसरा, पहले नाम समझते हैं पहले ध्यान से। अगला क्या है, हाइपो एसिड। क्या है, हाइपो एसिड। तो हाइपो एसिड क्या होते हैं, हाइपो एसिड होते हैं जब अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे फॉस्फोरस की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख गई तुमको कहीं पे, या फिर फॉस्फोरस की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख गई तुमको कभी, तुमको यार ये तो मतलब 5 और 3 में होता था, तो ये बस उसी का डिफरेंट वर्जन है। यहाँ पर अगर +1 में है मतलब लोअर साइड है, तो इसलिए अस एसिड आ रहा है, +4 में है मतलब हाइयर साइड में है, इसलिए एक एसिड आ रहा है, तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H2PO3, हाइपोफॉस्फोरस एसिड तो H3PO2, ये नाम है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पॉलीथायोनिक एसिड। उसका नाम क्या है, पॉलीथायोनिक एसिड। पॉलीथायोनिक एसिड में आपके पास कम से कम एक आपके पास ऐसा सल्फर एटम होगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, एक ऑक्सीजन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। थायोनिक एसिड में डाइथायोनिक एसिड हुआ तो दो सल्फर एटम इस तरीके से, दो सल्फ्यूरिक एसिड आपस में सल्फर सल्फर से कनेक्ट कर दिए गए तो वो डाइथायोनिक एसिड बन गया, डाइथायोनिक एसिड बन गया। अगर ट्राइथायोनिक एसिड होगा तो देखिए यहाँ पर ये सल्फर एटम आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सल्फर एटम आ जाएगा। तो ये वाली बात जो मैं बता रहा हूँ ये कोई मतलब सर्वदा सत्य बात नहीं है, इसलिए इसको तो तुम छोड़ दो, लेकिन मैं इसको इसीलिए बताना चाह रहा था, इसमें ये सेट नहीं हो रही है वैसे ये लाइन। इसमें मेन बात क्या है कि सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्या होगा, सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो वो तुमसे यही पूछ लेगा कि कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ट्राइथायोनिक एसिड ये, डाइथायोनिक एसिड ये, टेट्राथायोनिक एसिड में क्या हो जाएगा, सल्फर 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 सल्फर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर ये OH, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये OH, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दो सल्फर एटम्स हैं जो कि न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब
अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ध्यान रखना क्या कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में, इसमें पी डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, इसमें पीएच बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, और फॉस्फोरस को एसपी थ्री में रखना बहुत जरूरी है। ये तुम्हारा जून 2019 में पूछा गया था नेट में, क्वेश्चन कह रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन डाइथायोनस एसिड एंड डाइथायोनिक एसिड। तो डाइथायोनिक एसिड तो पढ़ लिया ना आपने, तो उसी को अस में चेंज कर देना बस। डाइथायोनिक एसिड इसका मतलब ये हो गया डाइथायोनिक एसिड। अब इसमें अस एसिड हो जाएगा, तो अस एसिड के केस में क्या हो जाएगा, मैक्स माइनस टू, यहां पर प्लस फाइव है तो यहां पर प्लस थ्री होगी, सीधी सी बात है। एक एसिड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें दो घटा दो तो अस एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। तो आपके पास सीधा सीधा ये कहानी आपके पास बन के आ जाएगी, डाइथायोनिक एसिड आप इस तरीके से बना सकते हो। और डाइथायोनिक एसिड में देखिए ये एसएस बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे ये एसएस बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर सी आंसर था, प्लस थ्री प्लस फाइव। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट मतलब कंपाउंड की, डाई सल्फ्यूरस एसिड या फिर पाइरो सल्फ्यूरस एसिड, थोड़ा अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये आपके थायोनिक एसिड से ही निकाला गया। अगर आप डाई थायोनिक एसिड में एक ऑक्सीजन एटम को हटा दो तो वो पाइरो सल्फ्यूरस एसिड या फिर डाई सल्फ्यूरस एसिड आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, वैसे इसको जरूरी नहीं है ध्यान रखना, ऊपर वाला ध्यान रखना। अब ये पीछे से फिर से एक बार वर्ड सामने आ रहा था तो इसलिए मैंने बता दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ जो हम लोग पढ़ते हैं अभी तक, एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है लेकिन फिर भी ये ज्यादा एसिडिक होता है। जबकि यहां पर बात करी जाए तो यहां पर देखिए, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी सबसे ज्यादा है तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक है। बस मैं इस वाली लाइन को याद दिलाना चाह रहा हूं और कुछ, इसमें सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, उसके बाद उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, तो इसलिए इसका ट्रेंड नॉर्मल ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेलोजन फैमिली का। उसमें देखो ये तीन पॉइंट ध्यान रखो, तुम हमेशा ध्यान रखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब कंपेयर करते हैं हेलोजन्स में, जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या करते हैं हम लोग कंपेयर करते हैं, तो उस केस में फ्लोरीन आता है यहाँ पर थर्ड नंबर पे, सबसे पहले क्लोरीन ब्रोमीन उसके बाद फ्लोरीन। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो उसमें फ्लोरीन सेकंड नंबर पे आता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। लेकिन अगर आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो देखो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं ये सीधे सीधे मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करते हैं, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट उतने ज्यादा होते हैं। लेकिन HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो पहले HF आएगा, इसके बाद फिर मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से HI, HBr, HCl। तो इन तीनों को साथ में पढ़ोगे ना तो ध्यान रहेगा, इन तीनों से अलग अलग जगह से क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग को सिक्वेंस हम लोग भूल जाते हैं। ये आपके एग्जाम में आया हुआ था नेट में नवंबर 2020 में ही, इसमें पूछा हुआ है सिंपल सा, देखो मेन ग्रुप का है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, कहीं से कुछ कनेक्टेड नहीं है, ग्रुप 15 का है, लेकिन हम लोग बिना पढ़े इस बीच को कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, AlCl3 कैन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप AlCl4 इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, कर सकता है भाई। देखिए AsCl3 है, AsCl3 है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो प्रेजेंट ही है, तो इसमें अगर तुम Cl- इसको दोगे तो भैया ये AsCl4- बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। आगे क्या कह रहा है, PF3 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर लिगेंड टुवर्ड्स डी मेटल, भैया PF3 एक्सेप्टर होता है, खतरनाक पाई एक्सेप्टर होता है, उसको फ्लोरीन एटम्स क्या करते हैं, पाई एक्सेप्टर बनाते हैं, बढ़िया। तो ये पॉइंट क्या है, गलत है। अगला पॉइंट क्या है, इन सॉलिड स्टेट SbF5 हैज अ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, तो ये बात सही है, सॉरी सही नहीं है, ये जो SbF5 होता है ये सॉलिड स्टेट में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में ना रहकर ये स्क्वायर पिरामिडल में रहता है, किसमें रहता है, स्क्वायर पिरामिडल में रहता है। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए, कुछ ही ऐसे कंपाउंड्स हैं जो स्क्वायर प्लेनर में रहना चाहते हैं, स्क्वायर पिरामिडल में रहना चाहते हैं। तो ये स्क्वायर पिरामिडल में इसलिए रह लेता है क्योंकि सेंट्रल एटम बहुत बड़ा है और साइड एटम बहुत छोटे छोटे हैं। प्लस सेकंड चीज, अगर ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है तो उस केस में ये जो आपके एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं
ये वाले जो ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, इन इक्विटोरियल बॉन्ड्स में कभी भी आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम रहना नहीं चाहता है, यहाँ पर कभी भी फ्लोरीन एटम रहना नहीं चाहता है, ठीक है। अब उसका क्या रीजन है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो किसी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल नहीं होगा, इससे अच्छा है ये लोग सोचेंगे कि चलो यार स्क्वायर पिरामिडल ही बना लेते हैं, इतना तो रिपल्सन भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए एक पॉइंट गलत है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। अगला पॉइंट जो है वो कह रहा है कि SbF5 द रिएक्शन ऑफ SbF5 विद एनहाइड्रस HF जनरेट H2F पॉजिटिव। तो देखो सुनो, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे ये मतलब सुपर एसिड्स बनाने के लिए काम आते हैं, जैसे SbF5 कहीं से भी फ्लोरीन ले सकता है, SbF5 कहीं से भी फ्लोरीन ले सकता है। इसको तुमने HF डाले दो, तो ये दो HF से क्या कर रहा है, एक फ्लोरीन लिए ले रहा है, ये क्या कर रहा है SbF6 नेगेटिव एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है और यहाँ पर H2F पॉजिटिव बना के छोड़ दे रहा है। ऐसे ही अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SbF5 की रिएक्शन अगर तुमने XgF6 से करा दी, तो XgF6 की एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग सीखने जा रहे हैं, क्या ये क्या करेगा, इससे एक फ्लोरीन एटम ले लेगा और क्या करेगा XgF5 पॉजिटिव बना देगा और SbF6 नेगेटिव बना देगा। आ रही बात समझ में? तो अगर कभी भी XgF6 के साथ जो क्योंकि जेनॉन के इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है तुमसे, तो इसकी रिएक्शन अगर कराने को दे दीजिए और इसके पास खतरनाक फ्लोरीन एक्सेप्टर डाल दिए जाए बगल में, फ्लोरीन एक्सेप्टर जो बहुत खतरनाक फ्लोरीन एक्सेप्टर होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे SbF6, तो ये अपना फ्लोरीन दे सकता है उसको, ध्यान रखना XgF5 पॉजिटिव बना सकता है, ठीक है। तो इसमें जो इसका चौथा पॉइंट है वो क्या है, सही है और इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था भैया आपका क्या मेन ग्रुप केमिस्ट्री, इतना मेन ग्रुप पढ़ लो, इतना जितना मैंने मेन ग्रुप पढ़ाया है इतना मेन ग्रुप पढ़ लो बस, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ोगे तो भूल जाओगे और इससे कम पढ़ोगे तो अपने नंबर खराब करोगे फालतू। इतनी मेन ग्रुप केमिस्ट्री आप पढ़ लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, आप मुझे आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका एग्जाम अच्छा हो, मेन ग्रुप में उनके नंबर आ जाए और 4-5 नंबर की वजह से हो सकता है कि आपका सिलेक्शन जो ना हो रहा हो वो हो जाए, हो सकता है जो आपको एक नॉर्मल IIT मिल रही हो उससे अच्छी IIT मिल जाए, हो सकता है आपकी जॉब जो ना लग रही हो वो लग जाए। मैं इसी उम्मीद के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ, आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं हमारे बारे में तो डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स पड़े हुए हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं इस क्लास की PDF के इंतजाम करके आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।